इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड संस्कृत शास्त्रीय नॉलेज एवं हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के संस्कृत प्रकोष्ठ हरियाणा सरकार पंचकूला, इन दोनों संस्थाओं की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज की ये नमस्कार और आज की ये छठी परिचर्चा है जो हम कार्य कर रहे हैं और जिसको अग्रसर करना चाहते हैं आप लोगों के सहयोग से। वो मुख्य रूप से तीन कार्य हैं। एक तो जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उसके आधार पर हम संस्कृत शास्त्रों को अप्लाइड जो उसकी सेंस है, अनुप्रयुक्तता है, उस संदर्भ में प्रयास करें। दूसरा, अलग तरह की जो कार्यशालाएं हैं कि इसमें किस तरह से प्रशिक्षण दिया जाए और किस तरह से उसको व्यवहार में लाया जाए। और तीसरा जो है वो जो संस्कृत टेक्स्ट हैं जो सामान्य रूप से पढ़ी नहीं जाती, क्योंकि सामान्य रूप से रामायण महाभारत और गीता यही सब लेकर के हम अपना काम चलाते रहते हैं, लेकिन और बहुत कुछ ऐसा है, ऐसे टेक्स्ट हैं जिनको विषय में हमें पता भी होना चाहिए और उसके विचार से भी परिचित होना चाहिए। तो वो क्लासेस भी हम हफ्ते में 3 दिन या 2 दिन जैसे भी होगा वो अभी शुरू करेंगे। तो उसी परंपरा में, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज छठे लेक्चर्स में, छठी परिचर्चा में आज का जो हमारा विषय है वो आप सब देख सकते हैं, बड़ा रुचिकर भी है और बहुत बहुआयामी भी है, डिकोडिंग फिलॉसफी एंड एस्थेटिक्स ऑफ डांस ऑफ शिवा। तो शिव के नृत्य का जो दर्शन है और जो उसका सौंदर्य है उसको किस तरह से हम समझें, किस तरह से उसको जाने, इस सारे को हम लेकर के आज चर्चा करेंगे। और आप लोग जैसे कि अपनी स्क्रीन पे देख ही पा रहे हैं, मैं भूमिका के रूप में 2-3 बातें कह करके फिर आज के जो मुख्य वक्ता हैं और बाकी और जो उसमें लेक्चर्स हैं उसके बारे में आपसे बात करूंगा। एस्थेटिक्स और फिलॉसफी के बारे में बात करने से पहले, क्योंकि हम लोग 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम वैज्ञानिकों के बारे में बात कर लें, उनकी इस विषय में क्या ओपिनियन है उसको एक बार जल्दी से देख लें और उसके बाद फिर हम मुख्य वक्ता की ओर अग्रसर होंगे। आप अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि द पैरेलल बिटवीन शिवास डांस एंड द डांस ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स वाज फर्स्ट डिस्कस्ड बाय फ्रिट्ज ऑफ कापरा इन एन आर्टिकल एंटाइटल्ड द डांस ऑफ शिवा द हिंदू व्यू ऑफ मैटर ऑन द लाइट ऑफ इन द लाइट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स इन मेन करंट्स ऑफ मॉडर्न थॉट 1972 में ये फ्रिट्ज ऑफ कापरा ने कहा था। हालांकि आप सभी उसके बुक से परिचित ही होंगे, ताओ ऑफ फिजिक्स जो बहुत पॉपुलर हुई थी। इसी कंटिन्यूटी में वो आगे भी कहते हैं, फ्रिट्ज ऑफ कापरा एक्सप्लेन्ड दैट मॉडर्न फिजिक्स हैज शोन दैट रिदम ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन इज नॉट ओनली मैनिफेस्ट इन द टर्न ऑफ सीजन्स एंड इन द बर्थ एंड डेथ ऑफ ऑल लिविंग क्रीचर्स बट इज ऑल्सो द वेरी एसेंस ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर and that for the modern physicist then Shiva's dance is the dance of subatomic matter। ये साइंस की perceptions हैं जो मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा, लेकिन उससे पहले जिस नटराज की, जिस डांस ऑफ शिवा की हम बात करने जा रहे हैं नृत्य के बारे में, सामान्य रूप से तांडव के बारे में हमें जानकारी होती है, लेकिन तांडव के भी बहुत सारे भेद हैं तांडव नृत्य के भी, तो लेकिन उस नटराज के विषय में एक जो संस्कृत का अपना श्लोक है वो मैं आप लोगों के साथ जरूर साझा करना चाहूंगा। आंगिकम भुवनम यस्य वाचिकम सर्ववांग्मयम, क्योंकि जब आपने दर्शन की बात करनी है और सौंदर्य की बात करनी है तो आपकी दृष्टिकोण बहुत व्यापक होना चाहिए। हम इंद्रियों से अधिक जब अग्रसर होते हैं, हमारे इंद्रियों की जो सीमा है उससे जब आगे की ओर चलने लगते हैं, तब जाकर के इस तरह के जो सिंबल्स होते हैं, इस तरह के जो दर्शन होता है, इस तरह के जो तत्व होते हैं उनके विषय में हम थोड़ा सा अग्रसर हो सकते हैं और उस तत्व को समझने के योग्य बनते हैं। चलिए, आंगिकम भुवनम यस्य वाचिकम सर्ववांग्मयम आहार्यम चंद्र तारादि तम वंदे सात्विकम शिवम। तो ऐसे उस सात्विक शिव को हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं,
जिसके लिए नीचे ट्रांसलेशन दिया हुआ है, मुझे उसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन संपूर्ण भुवन, पूरा का पूरा कॉस्मस जिसका आंगिक रूप है, और सारा का सारा वांग्मय, जितना लिटरेचर है, जितने लैंग्वेजेस हैं, वो सारा का सारा उसका वाचिक अभिनय है। और चंद्र तारा आदि जितने जो कुछ भी शेष विद्यमान है इस संसार में, चंद्र सूर्य तारे आदि, वो सब आहार्य विषय है। अब ऐसे शिव के बारे में आपने देखा कि फ्रिट्ज ऑफ कापरा जैसे जो मॉडर्न फिजिसिस्ट हैं, उनकी ऑब्जर्वेशन क्या है और वो किस दृष्टि से देख रहे हैं। वही आगे चल के कह रहे हैं इस शिव के बारे में, इन हिंदुइज्म शिवा द कॉस्मिक डांसर इज परहैप्स द मोस्ट परफेक्ट परसोनिफिकेशन ऑफ द डायनेमिक यूनिवर्स। थ्रू हिज डांस शिवा सस्टेन्स द मैनिफोल्ड फिनोमिना इन द वर्ल्ड, यूनिफाइंग ऑल थिंग्स बाय इमर्सिंग देम इन हिज रिदम एंड मेकिंग देम पार्टिसिपेट इन द डांस, अ मैग्निफिसेंट इमेज ऑफ डायनेमिक यूनिटी ऑफ द यूनिवर्स। ये वो अपने टाओ फिजिक्स में कहते हैं। और इसी में वो आगे चल के और भी कहते हैं, मैं पूरा नहीं पढ़ने जा रहा पैराग्राफ, लेकिन आप जरूर देखिए ये एक बात। मॉडर्न फिजिक्स हैज दस रिवील्ड दैट एवरी सब एटॉमिक पार्टिकल नॉट ओनली परफॉर्म्स एन एनर्जी डांस बट आल्सो इज एन एनर्जी डांस, ए पल्सेटिंग प्रोसेस ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन। और इसी के आखिर में वो ये कहते हैं, इंडियन आर्टिस्ट क्रिएटेड विजुअल इमेजेस ऑफ डांसिंग शिवास इन ए ब्यूटिफुल सीरीज ऑफ ब्रॉन्ज इन अवर टाइम्स। फिजिस्ट हैव यूज्ड द मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी टू पोर्ट्रे द पैटर्न्स ऑफ कॉस्मिक डांस। तो शिव को लेकर के कितना एक मतलब ऐसे लोगों का जो दृष्टि है, वो दृष्टि वाकई हैरान करती है कि कैसे वो इन सब में एक तुलनात्मकता देख सकते हैं। और उनके लिए फिजिक्स और आर्ट और हमारी जो जिसे हम माइथोलॉजी कहते हैं, हमारे जो सिंबलिज्म है, उसमें कहीं कोई अंतर नहीं है। अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों के साथ ये भी बात साझा करना चाहता हूं कि शिव के बड़े विभिन्न रूप आप देखते हैं, जानते हैं। तो जब हम डांस ऑफ शिवा की बात करने जा रहे हैं, तो उससे पहले हम ये देख लें कि जब भी हम बात करते हैं तो केंद्र में हमारे जो हैं शिव परिवार के रूप में आते हैं, अपने परिवार के साथ आते हैं, कि एक ही तरफ उनके पार्वती भी हैं, गणेश, कार्तिकेय, सांप भी हैं, आप मोर भी है, शेर भी है, चूहा भी है, और सारे के सारे विरोधी धर्म यहाँ पर आकर इकट्ठे हो गए। ये कमाल की बात है कि ये आपको एक अद्भुत चित्र मिलता है जहां पे अभयता है, जहां बुभुक्षा भी नहीं है। और ये अभी जब हम इकोनॉमिक्स के ऊपर इस विषय को लेंगे, तो इकोनॉमिक्स का एक मॉडल जो भारतीय मॉडल है, वो यहाँ से शुरू होता है कि भारतीय परंपरा में जो पुराना इकोनॉमिक्स का जो पैटर्न रहा है, वो यहाँ से शुरू होता है। तो आप ये देखिए कि केंद्र में हम जब भी रखेंगे तो परिवार को रखेंगे, उसी केंद्र से आप अगर देखेंगे तो ये योगी रूप में भी आप शिव को देखते हैं। नटराज की हम आज बात करने जा रहे हैं, यही परिवार में रहने वाले शिव नटराज के रूप में भी हैं। यही शिव के जो गण हैं, उन गणों को भी आप देखें तो शिव जो है वो लोकनाथ भी हैं, कि हर तरह का गण जो है उसमें विद्यमान है। और ये शिव वो भी हैं जो अष्टमूर्ति शिव हैं, जिसके विषय में आपने मंदिरों में भी देखा होगा, और ये लंदन का जो म्यूजियम है उसमें ये मूर्ति वहां पे विद्यमान है, सबसे प्राचीन, जो लगभग चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व की, चौथी शताब्दी ईस्वी की है। और साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि शिव जो है वो अर्धनारीश्वर भी है। तो कितने सारे रूप आप एक साथ देख पा रहे हैं इसी एक शिव के। और शिव को अगर हम इस आकृतियों में ना भी देखें तो हम, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं ना चित्रंजन जी, आवाज आ रही है? जी जी ये सर, ठीक है, ऑडिबल ऑडिबल, साफ ओके ओके, आ थैंक रही है, यू। साफ आ रही है। ओके, तो अब ये जो है, ये यहाँ पे सिंबल की फॉर्म में भी आप शिव को देख पाते हैं, कि और कुछ नहीं होता तो हम इसी रूप में हम शिव को स्वीकार कर लेते हैं। अब ये सामान्य रूप से इंफॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पे अवेलेबल है, नेट पे अवेलेबल है, मुझे इसमें के बीच में नहीं जाना। लेकिन ये नटराज की जो आप मूर्ति देखते हैं, जिसमें अग्नि है,
कॉस्मोस है, यहाँ पे अपस्मार भी है जिसके ऊपर नृत्य हो रहा है, उनके हाथ पैर, उनकी भुजाएं, उनका जो अग्नि का जो उसके साथ संबंध है, इन सब चीजों को आप जान सकते हैं। सारे के सारे सिंबल्स हैं और अलग अलग विद्वानों ने इसको कई रूपों में देखने की और इसकी कई तरह की व्याख्या की है। उनमें से मुख्य रूप से आप यहाँ पे ये अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं उसमें समय नहीं लिखाना चाहता। अब जब मैंने आपसे फ्रिट्ज ऑफ कापरा की बात की तो दूसरे व्यक्ति को मैं नहीं भूल सकता इस विषय पर चर्चा करने से पूर्व, उनके प्रति अपना आभार भी व्यक्त करता हूँ, वो है आनंद के कुमार स्वामी। जो उन्होंने इसके ऊपर काम किया, उनकी पूरी बुक है डांस ऑफ शिवा और उसमें एसेज हैं, 14 एसेज हैं, आप लोगों ने देखे ही होंगे। और शुरू के जो 9 एसेज हैं वो इससे डील करते हैं शिव के साथ, शिव तत्व के साथ। तो उसी में वो एक बात अपनी वो कह रहे हैं, अपनी ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं। द इमेज ऑफ शिवा एज नटराज इज इनडिलाइबली स्टिच्ड इनटू द इंडियन इमेजिनेशन। हाउ मेनी वेरियस डांसेस ऑफ शिवा आर नोन टू हिज वर्शिपर्स आई कैनॉट से। No doubt the root idea behind all these dances is more or less one and the same, the manifestation of primal rhythmic energy. Whatever the origins of Shiva's dance, it became in time the clearest image of activity of God which any art or religion can boast of. और इसी को वो आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, thy sacred foot planted on the ground gives an abode to the tired soul struggling in the toils of causality. It is thy lifted foot that grants eternal bliss to those that approach thee. These five actions are indeed thy handiwork. ये जो पैर उठाया हुआ है ये शरण देने के लिए है और ये बाकी जो है इनकी हम चर्चा बीच में लेंगे। तीसरे एक और व्यक्ति जो है बड़े महत्वपूर्ण मुझे लगता है, जिनपे हमने आगे जिनके सिद्धार्थ नॉवल के ऊपर हमने बातचीत भी की थी, तो वो भी ऑल्डस हक्सले आइलैंड, अपना जो उनका जो संक्षिप्त बुक है उसमें वो नटराज के बारे में अपनी ऑब्जर्वेशंस देते हैं। नटराज एट प्ले अमंग द स्टार्स एंड इन द एटम्स बट आल्सो एट प्ले विद इन एवरी लिविंग थिंग एवरी सेंटिएंट क्रीचर एवरी चाइल्ड एंड मैन एंड वुमेन। और लास्ट में वो कहते हैं, बट नटराज ओनली डांसेस, हिज प्ले इज अ प्ले इम्पार्शियली ऑफ डेथ एंड ऑफ लाइफ ऑफ ऑल इविल्स एज वेल एज ऑफ ऑल गॉड्स। तो कुल मिलाकर के आप ये ऑब्जर्वेशंस देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो हमें आकर्षित करनी चाहिए वो क्या है कि सर्न के ऊपर, अभी स्विट्जरलैंड में जब सर्न ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था सब एटॉमिक पार्टिकल्स के ऊपर, तो वहां पर नटराज की मूर्ति को उसके ऊपर स्थापित किया गया था। और वहां पे कार्ल सागा की एक कोटेशन, एक उनकी बात भी है, वो भी इसको क्या कहते हैं, कॉस्मिक डांस ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, कार्ल सागा जो है वो इस विषय पे कहते हैं। तो ये सारी बातें होने के बाद तो आज जो मुख्य विषय रहेगा, मुख्य चर्चा हमारे साथ करेंगे आज के हमारे रिसोर्स पर्सन प्रोफेसर डॉक्टर रमाकांत आंगिरस, आप सभी परिचित ही हैं, और वो फॉर्मर प्रोफेसर ऑफ कालिदास चेयर एंड हेड हैं, रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से। उनका विशेष वक्तव्य रहेगा डांस ऑफ शिवा के ऊपर, उसके विभिन्न विषयों के ऊपर। लेकिन उससे पूर्व आज थोड़ा सा हमने बीच में एक और विषय को भी लिया है, और वो डॉक्टर चंद्र कंवर भारद्वाज जी हमारे साथ यहाँ पे विद्यमान है दिल्ली से, और रहते वो अमेरिका में हैं लेकिन उनकी विशेष रुचि एजुकेशन में और इन सब चीजों में बहुत रही है, और आगे भी उन्होंने हमारे साथ कई लेक्चर्स जो हैं वो सांझे किए हैं। तो अगले 10 मिनट लगभग उनकी प्रेजेंटेशन इस विषय पे रहेगी, जो कि आप टाइटल अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कॉस्मिक कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग एंड अर्ध नारीश्वर कॉन्सेप्ट थ्रू साइंस एंड लॉजिक एज पर इंडियन नॉलेज सिस्टम। तो लगभग 10 मिनट के अंदर वो अपनी बात हमारे साथ रखेंगे, और उसके बाद मुख्य वक्तव्य लगभग 40 मिनट का रहेगा, और फिर ओपन हाउस डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर चंद्र चांद भारद्वाज जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
given this opportunity for 10 minutes, I would like to finish it within that time. Thank you. आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने 10 मिनट दिए हैं. तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कॉस्मिक कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग का अर्थ ये है कि अभी नासा के द्वारा सारे ब्रह्मांड की एक बहुत खूबसूरत पिक्चर निकल के आई है, जो कि वन विजिबल यूनिवर्स जो नजर आ रहा है. तो आई वुड लाइक टू से प्रत्यक्ष प्रमाण आंते उस टोटल ब्रह्मांड में जो कि गोल है, अंडाकार है, और उसके अंदर में तीन बेसिक चीजें नजर आती हैं. एक तो फ्लोटिंग मटेरियल बॉडीज हैं जी, 100 and odd एलिमेंट से बनी हैं, और हम लोग उसको 5 तत्व के हिसाब से जानते हैं, लेकिन विज्ञान में वो 100 and odd एलिमेंट्स हैं, जैसे पीरियोडिक टेबल में एक्सप्लेन किया गया. और दूसरी चीज है उसमें वो गुरुत्वाकर्षण चुंबकीय क्षेत्र से सारे ब्रह्मांड का जो मूवमेंट चल रहा है, फ्रॉम बिग बैंग टू ब्लैक होल, जब से वो बना और महाप्रलय में जब तक खत्म होगा, तो उसको हमने ब्रह्मंडी मन कह के बयान किया है. क्योंकि उसमें एक तो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, 2G, 3G, 6G इंटरनेट, रेडियो कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सब उसी से चलता है. उसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ सब कुछ है. अगर एप्पल गिरता है तो न्यूटन कैलकुलेट्स द लॉज ऑफ नेचर, और जिसमें इम्पॉर्टेंट लॉ है एवरी एक्शन हैज गॉट एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जैसी करनी वैसी भरनी का सिद्धांत है. और प्लस उसमें एक ऐसी ताकत है जो उस फील्ड को, जो गुरुत्वाकर्षण चुंबकीय क्षेत्र से उसको ऑपरेट कर रहा है और हर एटम में भी विद्यमान है, उसको हमने एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस कैपेबल फोर्स कह के बयान किया, और उसको विज्ञान में पार्टिकल और वेव थ्योरी से एक्सप्लेन किया कि पार्टिकल अपने आप को डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अपने आप को दो में विभाजित करके पास होता है, कभी भी वेव बन जाता है, कभी भी पार्टिकल बन जाता है. तो वेव और पार्टिकल थियोरी में वो बहुत ही क्लियर नजर आता है कि वो उसको एनर्जाइज कर रहा है, क्योंकि वो ऑमनिशिएंट है, ऑमनिप्रेजेंट है, और उसका बिहेवियर इंटेलिजेंट है. क्रिएशन इज एन इंटेलिजेंट डिजाइन, इंक्लूडिंग अ ब्लेड ऑफ ग्रास इज इंटेलिजेंटली डिजाइन. तो अगर ये इंटेलिजेंट डिजाइन है, देयर गॉट टू बी इंटेलिजेंट बीइंग हु इज डूइंग इट ऑल. तो उस इंटेलिजेंट बीइंग को हमने एक्सप्लेन किया पहले श्लोक से, जिसमें कहा एकम बहुश्याम, कि वो ताकत एक से अनेक हो गई, और हम में से एक ने, जिसको कि मैं हिग्स बोसोन कह के बयान करूंगा, जैसे अभी आशुतोष बता रहे थे कि सर्न में वो गॉड पार्टिकल का जो उन्होंने बयान किया, जहां पर शिव का तांडव, जो उनकी जो मूर्ति है वो लगी है, और इस प्रकार वो जो हिग्स बोसोन है उसमें एबिलिटी है अट्रैक्शन की, आकर्षण की, एज पर रिपोर्ट्स फ्रॉम द साइंस, कि वहां का जो सार निकला सर्न यूनिवर्सिटी का, वो ये निकला कि हिग्स बोसोन, हिग्स फील्ड में आकर्षण की क्षमता है. तो उसने उस आकर्षण के द्वारा पहला न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को जोड़ के पहला एटम हाइड्रोजन बनाया, ऐसा मेरा पोस्टुलेट है मेरी फिलोसफी में, जिसको हम कोएम थ्योरी एंड प्रैक्टिस बोलते हैं. तो उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में उसने, उस ताकत ने आकर्षण के द्वारा पहला एलिमेंट हाइड्रोजन बनाया, और उसी आकर्षण की वजह से दो हाइड्रोजन एटम्स को फ्यूज करके हीलियम बनाया, और हीलियम और हाइड्रोजन को फ्यूज करके सूर्य बनाए. तो हमारे यहाँ कहा कि पहला ज्ञान सूर्य को दिया. अब ये जो तांडव है, जिसमें वो सारे ब्रह्मांड में किस प्रकार दो दो सूर्य मिलके बाकी के एलिमेंट्स बना रहे हैं, उसकी वीडियोस में आशुतोष जी से शेयर करूंगा, ताकि वो सब आपको भेज सकें. उसमें ये बताना है कि दो सूर्य मिलके 22 जगह पर ब्रह्मांड में अदर एलिमेंट्स बना रहे हैं. वन सन जो कि कंडेंस हो गया न्यूट्रॉन स्टार में, और मिलियंस ऑफ डिग्रीज ऑफ टेम्परेचर निकल रहा है, और वो दूसरे रिवॉल्विंग सन को, जो उसके चारों तरफ घूम रहा है, उसको जला के 100 and odd एलिमेंट्स बना रहा है. अब जब वो अलग से, जब वो दोबारा से ब्लास्ट करते हैं, तो अलग अलग सूर्य बनते हैं, अपनी अपनी कक्षाओं में मटेरियल लेके जाते हैं, और मेरी धरती जो पिघली हुई है वो 6 घंटे में घूमती थी, एक दूसरी धरती आके टकराती है, इंटेलिजेंट डिजाइन है इसलिए, और वो उसको टिल्ट कर देती है और स्लो डाउन कर देती है, 23 घंटे 56 मिनट few seconds में घूमने लगती है, और 23 degree एग्जैक्टली टिल्ट हो जाती है. अगर टिल्ट ना होती तो मौसम नहीं आते जाते. तो किस प्रकार वो धरती बनी. और फिर अब मैं नेक्स्ट पॉइंट को आपको बयान करना चाहूंगा, अर्ध नारेश्वर का विषय, कि
हम में से एक ने, ये महाकाल ने सारी ब्रह्मांड की संरचना की और फिर हम सब आत्माएं इसको विजिट करने आए। अगर हमने इसको, क्योंकि आत्मा ने मन को ग्रहण किया ब्रह्मंडी मन से और कारण मन बना के कारण शरीर बनाया जिसको हम अर्ध नारेश्वर कहते हैं, क्योंकि हमें तो कारण था महसूस करना सृष्टि को, तो सृष्टि को महसूस करने के लिए शरीर की जरूरत थी और उस शरीर में इंद्रियां चाहिए थी, तो अर्ध नारेश्वर आधा शरीर मनुष्य का आधा औरत का, क्योंकि अनुभव करना था, उसको अनुभव करने के लिए हमने कारण मन और कारण शरीर का स्केच बनाया और उस स्केच को कार्यान्वित करने के लिए सूक्ष्म मन और सूक्ष्म शरीर बनाया, क्योंकि इस शरीर में 50 ट्रिलियन सेल हैं, तो कहां से शुरू होना था, सिंगल सेल से, तो पहला अमीबा के रूप में पहला सिंगल सेल बना और सिंगल सेल से होते होते हम लोग डबल सेल ऑर्गेनिज्म में आए, फिर मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म में आए और फिर मनुष्य शरीर तक पहुंचे। तो पहला जो सेल बना उसमें मैं छोटा सा बयान करना चाहूंगा कि इफ लाइट एंड साउंड स्ट्राइक्स ऑन प्योर एलिमेंट्स कन्वर्ट्स देम इनटू अमीनो एसिड्स और अमीनो एसिड्स ने प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करके पहला जीव बना दिया जिसको हम लोग जानते हैं अमीबा के रूप में। तो वो सिंगल सेल जब मर जाता है तो उसकी मन और उसकी आत्मा, क्योंकि वी हैव गॉट एन एक्वायर्ड माइंड एंड अ क्रिएटेड बॉडी, तो मन और आत्मा वापस जाते हैं सूक्ष्म में और फिर से बाहर आते हैं और फिर डबल सेल ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, फिर वो मर जाता है तो फिर दोबारा जाके वो मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। इस प्रकार 84 लाख जोनियों से होते हुए हमारी आत्मा ने, जो परमात्मा से शब्द नाम से नाद से जुड़ी रहती है, उसने ये मनुष्य शरीर बनाया और जब हम एप से ह्यूमन बॉडी में आए 84 लाख जोनियों से हम सेल्फिश बन गए और आज तक हम मल्टीप्लाइड सेल्फिश हैं। अब इस विषय को जानना कि प्रकृति तो सेल्फलेस है, अगर गेहूं एक बीज गेहूं बना रहा है तो वो अपने लिए नहीं बना रहा, वो सबके लिए बना रहा है, तो वो सेल्फिश की बजाय सेल्फलेस होना था। और ये जो कॉस्मिक कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग है कि वहां पर तीन है, हम भी तीन है, हमारी बीज भी तीन है, उसका एक शरीर है, उसका मन है, गेहूं का चने का या आम का, एक उसमें आत्मा है वो तो जिंदा है, हर जीव प्राणी जिंदा है तो वो भी तीन है। तो कॉस्मिक कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग में मैं ये कहना चाहूंगा कि हम तीन है और जो परमात्मा का शरीर है वो भी तीन है, फ्लोटिंग मटेरियल बॉडीज, यूनिवर्सल माइंड एंड द एब्सोल्यूट। तो इस प्रकार इसको विज्ञान के आधार पर, और अगर हम इसको जोड़ के समझाने की कोशिश करेंगे तो मॉडर्न बच्चों को बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि वो तीन है और तीनों के गुण क्या है। शरीर तो मटेरियल है जो कि भूख कपड़ा मकान दुनिया के समान सेक्स और स्लीप में डील करता है, मन उसकी इंफॉर्मेशन में, बिकॉज इंफॉर्मेशन सिस्टम है ना जी ब्रह्मंडी मन में भी, तो मन डील करता है इंफॉर्मेशन में जो कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार राग द्वेष भय और चिंता है। और तीसरी चीज है मेरी आत्मा जिसके डिवाइन गुण है, प्रेम दया क्षमा विवेक धैर्यशील नम्रता निर्भीकता स्टेट ऑफ आर्ट प्लानिंग एबिलिटी उसकी एग्जीक्यूशन एबिलिटी लेट अस फेस एज इट कम्स और जस्टिस इत्यादि आत्मा के गुण है क्योंकि वो तो क्रिएटर है। तो इस प्रकार शिवा के इस एक्सप्लेनेशन में ये कॉन्सेप्ट हमारा जो कॉस्मिक कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग और अर्ध नारेश्वर का विषय है ये बहुत ही सुंदर तरीके से उसमें सेट बैठता है। और इस प्रकार अगर हम बताएं और साथ साथ में अपने वेदों का ज्ञान देंगे तो बहुत तेजी से यह विषय सारी दुनिया में फैलेगा, क्योंकि हमने यहाँ इसमें कोई रिलीजन तो मेंशन किया नहीं है, इसलिए यह इस्लाम को और क्रिश्चियनिटी को सबको एक्सेप्टेबल होगा, क्योंकि मैं हर जगह लेक्चर्स कर रहा हूँ, मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी में भी किया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी किया, यहाँ दिल्ली में भी किया और MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी पुणे में है वहां पर भी हुआ। इस किस्म की चर्चाएं हम आगे आगे करते रहेंगे और आशुतोष जी को बहुत बहुत थैंक्स क्योंकि मेरे 10 मिनट खत्म हो रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, आई हैव एक्सप्लेन माय पार्ट, थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद डॉक्टर भारद्वाज, बहुत खूबसूरत तरीके से और बहुत संक्षिप्त और सटीक रूप में आपने ये जो बातें हमारे साथ रखी हैं इसने हमें इस बात के लिए उत्सुक किया है कि इस विषय को थोड़ा और विस्तार से हम जानें और इसको और ठोस रूप दें ताकि इसको हम अपने कोर्सेज में इंट्रोड्यूस करें। और मेरा बार बार यही आग्रह रहता है कि संस्कृत के लोगों को विशेष रूप से इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए कि पढ़ाना क्या है और पढ़ाना कैसे है, ये दोनों ही बातें बहुत महत्वपूर्ण है।
पढ़ाना क्या है, मैं तो शास्त्र आपके पास जरूर उपलब्ध हैं, लेकिन उसमें से भी कौन कौन से शास्त्र हैं, किस रूप में कैसे पढ़ाए जाएं, इसको बदलने की आवश्यकता है। जैसे आप लोगों की अप्रोच है, अगर इस तरह से हम अप्रोच करें शास्त्रों को लेकर के, तो मुझे लगता है कि उसकी प्रतिष्ठा को सिद्ध होने में कुछ समय नहीं लगेगा और उपयोगिता उसकी हमें दिखाई देगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जरूर आपका एक लेक्चर और निकट भविष्य में लेंगे, लेकिन अगले से अगले हफ्ते प्रयास करूंगा कि उस विषय को हम फिर दोबारा से लें, क्योंकि अगले हफ्ते हम इकोनॉमिक्स और इंडियन नॉलेज सिस्टम के ऊपर एक कार्यशाला लेंगे। और अभी अपने विषय की ओर अग्रसर होते हुए मैं अब आमंत्रित कर रहा हूँ प्रोफेसर डॉक्टर रमाकांत आंगिरस जी को कि वो इस सारे विषय के ऊपर हमारे साथ आज चर्चा करें कि ये जो नटराज है, इस नटराज को, इसका सौंदर्य और इसका दर्शन क्या है, और बाकी चीजें जैसे मैंने आप लोगों के साथ साझा की थी कि इसकी जो औपचारिक बातें हैं, जैसे कि इसमें ये अग्नि, ये जो बाहर का सर्कल है, जो इनके हाथ हैं, इनके हाथ में डमरू है, ये सारे सिंबल्स आपको इनके अर्थ तो सब जगह उपलब्ध हो ही जाएंगे, नेट के ऊपर सब उपलब्ध है, लेकिन जो दर्शन की बात है और जो सौंदर्य की बात है वो आपको नेट से या अन्य जगह से मिलने वाली नहीं है। लेकिन इससे पूर्व कि मैं उनको मंच पर आमंत्रित करूं, मैं मेरा उनसे निवेदन रहेगा और आग्रह रहेगा कि वो तीन श्लोकों से हमारे साथ आज अपनी बातचीत शुरू करें, जो कि एक आधार भूमि तैयार करते हैं इस तांडव नृत्य की, नटराज के नृत्य की, और उसका जो सौंदर्य है और उसका जो दर्शन है, अगर वो यहाँ से बात आरंभ करें तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। हालांकि ये मैं श्लोक आपके साथ खुद भी इनके अर्थ कर सकता था, लेकिन मेरे अर्थों में वो शुष्कता रहेगी और ना वो उतने प्रभावी होंगे, तो इसलिए विद्वानों से इन श्लोकों के अर्थों को समझना, जानना, वो मुझे लगता है कि वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें विद्वत्ता भी रहेगी, सरसता भी रहेगी, तो बुद्धिवादिता और सहृदयता का मिश्रण जो है इन श्लोकों में हमें देखने को मिलेगा। तो उनकी बात शुरू करने से पहले, जिसमें से जो पहला श्लोक है वो मालती माधवम भवभूति कर लिखे हुए नाटक में से है, पहला ही हेलो हेलो। हाँ, सुन रहे हैं जी हाँ देख रहा आप हूँ। लोग? देख रहे हैं स्क्रीन पे? बस ठीक है, अगर दे रहे हैं तो फिर मुझे इनका उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं है। तो पहला जो है वो आवाज मालती थोड़ी माधव से है, दूसरा मुद्रा राक्षस। आवाज ठीक, कम है? आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। हेलो ओके। दूसरा श्लोक जो है वो राक्षसम से है, विशाख दत्त का है, और तीसरा जो है शिव महिम्ना सूत्रम, जैसा पाठ हम लोग सभी लोग घरों में करते ही हैं। तो इन तीन श्लोकों के अर्थों को हमें वो थोड़ा सा स्पष्ट कर दें, और फिर उसके बाद वो अपनी बात हमारे साथ अगले 35-40 मिनट के भीतर रखें, और फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स जो भी होंगे। तो इसमें से जो मालती माधव है वो तो एक तरह की नृत्य की भूमिका कैसे बनती है, नृत्य की तैयारी कैसे है, इसको लेकर यह है जी। अनस्तमित भारूपस्तेजसाम तमसामपि येकोऽन्तर्यनन्तश्चेतांसि चितमांसि च। समादरणीय बंधुवृंद और उपस्थित प्रोफेसर भारद्वाज जी, आज की इस आयोजन में ये बहुत ही एक आकस्मिक सा मुझे अवसर प्राप्त हो गया कि मुझे विज्ञान की दृष्टि से बहुत उसमें सूक्ष्मता के साथ सुनने को भारद्वाज जी का प्रवचन मिल गया, और ध्यान में देख रहा था कि वो जिस ढंग से प्रतिपादन कर रहे हैं कि वो सारा तत्व की बात जो है विज्ञान के माध्यम से कितना उस
एक ऐसे सत्य की ओर ले जा रहे हैं, तो उसको देख करके ये मेहमना स्तोत्र का ही मुझे आया कि आज भी देखिए जो कितने समय से ये शिव नृत्य की चर्चा चल रही होगी और उसमें से समय समय पर सबने ये कहा रुचि नाम वैचित्र्या द्विज कुटिल नाना पतिषाम निणाम एको गम्यस्तम अर्णवे, ये लोगों का जो रुचि वैचित्र है, लोग की चिंता हमारे कलाकारों और हमारे जो वैज्ञानिक थे, हमारे जो योगी अध्यात्म दर्शन करने वाले लोग थे, उन्हें इस बात को बड़ी स्वीकृति दी है कि रुचियों के वैचित्र से लोगों का, कुछ लोग विज्ञान के माध्यम से आना चाहते हैं, बहुधा प्यागमेर भिन्ना, नाना प्रकार के आगमों से विज्ञान के माध्यम से जो आना चाहते हैं, कुछ लोग उसमें शब्द शास्त्र के माध्यम से आना चाहते हैं, कुछ लोग कलाओं के माध्यम से आना चाहते हैं, लेकिन वो समुद्र में जितनी भी नदियां आती हैं वो समुद्र उन सबका ही सत्कार कर लेता है, वो सब उसमें समा जाती हैं। इस तरह का कुछ शिव का जो अवधारणा है वो प्राचीन काल में लोगों ने जो स्थापित की वो आज भी उतना ही एक रेलेवेंट है, उतना ही महत्वपूर्ण बन जाता है कि वो जो अवधारणा है वो ऐसी है कि एक संपूर्णता की दृष्टि है। उस संपूर्णता की दृष्टि में आप विज्ञान के माध्यम से आइए, आप उस कलाओं के माध्यम से आइए, दर्शन के माध्यम से आइए, क्योंकि न तो केवल विज्ञान ही एकमात्र उसका व्याख्याता है, न केवल दर्शन ही व्याख्याता है, अनेकों दृष्टियां अनेकों दृष्टियों से एकम सद विप्रा बहुधा वदंती की जो बात कही गई थी कि विप्रा का मतलब क्या था कि सभी बुद्धिमान लोग जो हैं, वाइस लोग हैं, वो अपनी अपनी दृष्टियों से, विभिन्न दृष्टियों से उस परम सत्य को समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो सत्य जो है वो एक ही है, लेकिन उसका वो जो अनेकत्व है, वो अनेकत्व जो है वो उसकी विभूति है, उसका ऐश्वर्य है, वो उसकी संपदा है। इसलिए ये संदर्भ में सिर्फ एक उसमें प्रश्न आता है कि जब हम किसी तत्व को बहुत एक बौद्धिक संप्रत्यय बनाते हैं तो बौद्धिक संप्रत्यय बनाने से वो एक एनालिटिकल हमारी अप्रोच बनती है कि बौद्धिक स्वीकृति होती है। एक शब्द तंत्र और आगमों के अंदर प्रयुक्त हुआ है कि अगस्त्य ऋषि जो है वो अपने आचार्य से कहते हैं कि मुझे भगवान ये समझ तो बात आ गई, बहुत ठीक आपने जो इतना व्याख्यान किया वो बहुत समझ में आ गई, लेकिन चित्त पर्याप्ति नहीं हुई है, मन भरा नहीं, कुछ बात ऐसे लगता है कि जैसे कुछ उसमें शेष रह गया है। तो बहुत सारा हमारा जो जो दार्शनिक लोग थे, चिंतक लोग थे, वो बहुत ज्यादा उन्होंने व्याख्यान करने की एनालिटिकल तरीके से उसे व्याख्यान करने का प्रयास किया और करते हैं, उसका भी आनंद लेते हैं लोग, लेकिन उससे एक स्वरूप नहीं खड़ा हो पाता है कि आखिर ये सारे का सारा जो हमारे एक इतने विचार एक ही जगह पर एकत्रित करके फिर इनसे एक प्रतिमान उसका क्या बनाए हम। ये बहुत समस्या, इसका सौंदर्य शास्त्र के साथ घनिष्ठ संबंध ये है। वो जैसे कहते हैं ना कि एक वो चार पंडित थे और वो गए और उन्होंने रास्ते में देखा कि जंगल में एक शेर मरा पड़ा है, शेर की वो हड्डियां देखी उसने और उन पंडितों ने देखा कि ये तो शेर है कोई, उसकी अस्थियां बिखरी हुई हैं और ये सब है, तो उन्होंने अपना अपना शास्त्र निकाला और कहा कि अगर ये, मैं इसकी हड्डियों को तो जोड़ सकता हूँ लेकिन इसमें ये नहीं कर सकता हूँ, इसके आगे नहीं कर सकता। दूसरे ने कहा कि मैं इसमें, तुम हड्डियां जोड़ सकते हो तो मैं इसमें मांसारोपण और ये सारा उसको बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठाक बना सकता हूँ उसकी। तो जो तीसरा था उसने कहा कि मैं इसमें प्राण डाल सकता हूँ, और प्राण डालने की, मैं सिर्फ प्राण ही डाल सकता हूँ,
वो तीनों ही अलग अलग थे, तो उसमें से जो प्राण डालने वाला था वो शायद समझ रखता था कि उसके बाद प्राण डालने के बाद उसे एकदम वृक्ष पर चढ़ जाना चाहिए। तो प्राण डालने के बाद वो तो वृक्ष पर चला गया और बाकी के दो जो थे उनको शेर उठ करके खा गया, शेर जो है वो जीवंत हो गया। तो अलग अलग हमारी विद्याएं जो हैं वो जहां एकत्रित भगवान शिव का जो स्वरूप बनाते हैं हम, उस शिव स्वरूप की संकल्पना के अंदर एक ये जो नटराज का एक हमने हम जिसे मूर्ति कहते हैं, कभी हम कहते हैं कि मंत्र ही उसका देह है, मंत्र ही देवता का स्वरूप है, फिर कभी हम उसे बनाते हैं कि एक बौद्धिक संप्रत्यय ही उसका एक स्वरूप है। तो लेकिन उससे संतुष्टि जब नहीं होती तो जो रसवित लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये संपूर्णता का जो भाव है ये बुद्धि के वश का है नहीं है, इसलिए इसको हृदय में आना चाहिए। तो जब ये हृदय जो है वो केंद्र बनता है तो फिर वो उसका हम उसको विज्ञान की दृष्टि से कैसे देखें समझें तो मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। ये श्लोक जो मेरे सामने रखे हुए हैं, ये श्लोक मैं अक्सर घर में पढ़ता हूँ तो उस दृष्टि से बहुत चर्चा इसकी होती है कि जो शिव का चिंतन करते हैं जिस ढंग से एस्थेटिकली उसको देखेंगे या जैसी दृष्टि से भी अपने अपने सभी लोग अपनी उसके, कि ये तीनों ही नाटकों के आगे के मंगलाचरण हैं। ये श्लोक दो श्लोक जो है वो दो नाटकों के मंगलाचरण हैं। मुद्रा राक्षस एक बहुत ही ऐसा नाटक है जिसके अंदर चाणक्य का और चंद्रगुप्त मौर्य एम्पायर का कहानी उसकी है और वो पॉलिटिकल थीम है उसका सारे का सारा। लेकिन उसके आगे वो जो हमारा पॉलिटिक्स भी शुरू होगा तो शिव से ही शुरू होगा, हमारा अर्थशास्त्र भी शुरू होगा तो शिव से शुरू होगा, और ऊपर वाला जो है वो भवभूति जो थे, भवभूति ने भी उसमें जो मालती माधव एक प्रेम कथा मुख्य रूप से है, तो प्रेम के अधि देवता जो है वो भी शिव को ही मान लिया है। और मृच्छकटिकम प्ले है, एक मृच्छकटिकम जो बहुत ही दुनिया में पॉपुलर हुआ, उसके अनुवाद सारे दूसरे देशों में भी चल जा चुके हैं, तो क्ले ऑफ कार्ट कार्ट तो उसका वो कार्ट ऑफ क्ले जो है उसको मृच्छकटिकम का भी, उसमें भी प्रारंभ जो होता है वो शिव के ही उस समाधिस्थ रूप से होता है और वो विशुद्ध रूप से एक प्रकरण नाटक है और वो भी प्रेम कथा है, लेकिन प्रेम भी शुरू होता है तो समाधि से शुरू होता है, और अगर हमारा राजनीति शुरू होती है तो भी समाधि से, उसमें भी शिव से ही आरंभ होता है, और अगर हमारा जो कलाएं हैं, अगर हमारा व्याकरण शास्त्र है वो भी शुरू होता है तो शिव से ही शुरू होता है कि शिव ने डमरू बजाया और 14 सूत्र उसमें से, हमारा जो अल्फाबेट आया ये अल्फाबेट कहाँ से आया कि जब इस नटराज ने नृत्य के अंत में अपना वो डमरू बजाया तो डमरू में से ये 14 साउंड जो निकली वो हमारा अल्फाबेट है, वो हमारी वर्णमाला है, और उस वर्णमाला से ही समस्त साहित्य का सृजन होता चला गया। तो शिव एक ऐसी मौलिक सत्ता का स्वरूप बन जाते हैं कि उनके जो जिसे उसे जिस स्वरूप में देख लेना चाहता है उस स्वरूप में उसको वो देख लेता है। तो ये जो नाटक है हमारे नाटकों के प्रारंभ में भी ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो दृष्टि है कि जो मौलिक दृष्टि थी वो थी ईशावास्यमिदं सर्वम्, ये सारा जो ब्रह्मांड है ये ईशावास्यम है। अब ईशावास्यम का अर्थ लोगों ने नॉर्मली जैसे करते रहे हैं वो यही करते रहे हैं कि ईश्वर से सारा व्याप्त है, ये है बहुत है। मुझे ऐसे लगता है कि उसकी स्पिरिट कुछ थोड़ी अलग रही, इस सृष्टि का प्रत्येक कण जो है वो उसका कोई ना कोई ईश है, उसका कोई जो जो सस्टेनिंग प्रिंसिपल है, उसका उसका जो सस्टेनिंग प्रिंसिपल है वही उसका ईश है। तो सृष्टि का कोई भी तत्व जो है वो ऐसा नहीं है कि उसका देवता नहीं है,
इसलिए हमने क्या कि जब पौधा है, प्लांट है, पत्थर है, ईंट है, हमने उसको देवत्व प्रदान किया। ये आप समझ के चलिए कि ये एक मौलिक दृष्टि है, पुरुष को, कन्या को, स्त्री को, देवता, उसमें देवत्व प्रदान करना, ये हिंदुइज्म की एक मौलिक अवधारणा है जिससे बाहर नहीं निकल सकता हिंदू। प्रत्येक वस्तु के अंदर वो दिव्य तत्व साथ जोड़ लेता है, चाहे कुछ भी उसने करना है। अगर किचन के अंदर कोई बर्तन है, या अगर कोई जो कुक जो है वो बनाता है, तो वो अपने पात्रों को भी प्रणाम करता है, पात्रों के अंदर भी। जैसे हवन के अंदर वो श्रुभ जो होता है, श्रुभ की पूजा की जाती है पहले, कि श्रुभ का कोई देवता है, उसका कोई सस्टेनिंग, कोई अधिष्ठान है उसका। इसलिए ये एक मौलिक दृष्टि है कि जो पढ़े और अनपढ़ लोगों के बीच में भी ये रहा कि सृष्टि की प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई एक अधिष्ठाता देवता है, तो वो जोड़ता है हमारी सारी चेतना को। किस प्रकार से जोड़ता है? जो भौतिक वस्तुएं हैं वो ऐसा नहीं है कि वो डिवाइन से एकदम अलग थलग पड़ी है, उनमें ही डिवाइन जो है वो नृत्य कर रहा है, लेकिन उसको देखने वाले देखते हैं। चक्षुष्मन्तोन पश्यन्ति नेत्रे तद्विदो जनः, आंख वाले लोग देखते हैं कि उस प्रत्येक कण के अंदर वो शिवत्व विद्यमान है, और दूसरे लोग वो उस रंग से नहीं देख सकते, वो अपने रंग से देखने का प्रयास करते हैं। तो ये नाटककार जो ये पहला जो है उसमें दो पंक्तियां मिसिंग है, उसमें मंगलाचरण में मालती माधवम जो भवभूति बहुत बड़े संस्कृत के कालिदास की टक्कर के नाटककार हैं, वो कोई सामान्य नहीं है, लेकिन वो मंगलाचरण करते हैं तो कहते हैं तांडवे शूलपाणि, भगवान शूलपाणि शिव का तांडव नृत्य शुरू हुआ। और कैसा नृत्य हुआ? सानंदम नंदी हस्ता हत मुरजर बाहूत कौमार बर्री, ये लाइने यहाँ नहीं लिखी हुई है, लिखी हुई है। नंदी हस्ता, आज वो प्रदोष स्तोत्र जो है, प्रदोष सभा शिव जी की लगने लगी है। अब ये कहाँ लग रही है? किसी बाहर भी लग सकती है, आप ये विद्वत गोष्ठी है उसके अंदर कोई मजलिस जो महफिल है उसमें हो सकते हैं, लेकिन जो कवि लोग हैं उनके हृदय के अंदर ये महफिल लग जाती है, वो सब देवता आ जाते हैं, वो सब कुछ उसमें हृदय के अंदर इतना व्यापक आकार हुआ है। वो उसी को चिदम्बरम करके भी कहते हैं कि वो जो सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है, वो हृदय जो है, वो कवि का हृदय जो है वो सेंटर ऑफ द यूनिवर्स बन जाता है। तो वहां वो कहते हैं कि तांडवे शूलपाणि, शूलपाणि का तांडव नृत्य हुआ, तो सानंदम नंदी हस्ता, नंदी जो थे उनके गण, नंदी फौरन उठे और उठ करके उन्होंने मुरज को उठाला है, वो नंद जो ढोलक किस्म का जो इंस्ट्रूमेंट था वो लाए और ला करके धप से धप दोनों तरफ उन्होंने, तो जैसे वो मुरज बजाया तो मुरज की आवाज आकाश के बादल के गर्जने जैसी आवाज हुई। तो उसको देख करके जो कुमार थे, कुमार का मोर जो है, उसने देखा कि वो बादल गर्जा है, तो उसने तुरंत अपना पंख फैला दिया, उसने डांस शुरू कर दिया। तो ये पहली पंक्ति में नृत्य से आरंभ होता है, सानंदम नंदी हस्तात, नंदी के हाथ से आनंद में भर करके, मुरज रवाहूत कौमार बरही, मुरज की जो ध्वनि हुई उससे कुमार का जो मोर था, कुमार का वाहन मोर जो था वो डांस करता हुआ आगे आ गया वो उसमें। अब एक बात इस पंक्ति से आप समझ लीजिए कि हमारा मूल जो है वो आनंद है, सत्ता चेतना ज्ञान क्रिया इच्छा विभिन्न शक्तियां हैं, लेकिन कलाओं का जो आरंभ है वो सानंदम, इसका मूल आनंद है। इसलिए आनंद से जो स्फुरण हो रहा है, आनंद से जो स्फुरता है, वो स्फुरता को क्या हो रहा है, वाक का स्फुरण कैसे होता है और वो सारी का सारा जो कलाओं का स्फुरण कैसे होता है, तो उसको पहली पंक्ति में वो कहते हैं कि उसके अंदर, नंदी के अंदर कुछ ऐसा वाइब्रेशन आई। अब ये जो वाइब्रेशन है
उसने उसको तुरंत कहा कि उठाओ मुरज, और मुरज पर जैसे थाप दी तो एकदम उसको बादल की आवाज समझ करके वो कुमार का जो मयूर है नाश्ता आ गया। तो उसमें वो कहते हैं हूं तो कौमार बर्री, तो वो भगवान शंकर के कंठ में जो निपटा हुआ सर्प था, सर्प जो है मयूर उसका शत्रु होता है, तो मयूर उसने जैसे मयूर को देखा तो वो सर्प जो था वो डर के मारे भगवान शंकर की दोनों नासाओं में प्रविष्ट हो गया, दोनों नासाओं में छिप करके उसने अपना अपना फण जो था उसे संकुचित किया, और संकुचित करके वो नासा कर विशति फण को, तो भोग संकोच भाजी, भोग संकोच भाजी उन्होंने भोग कहते फण को, तो वो इकट्ठा करके ऊपर ले गया उसने, उसने छुपने का प्रयास किया। गंडोर दीनाली माला मुखरित ककुफस तांडवे शूल पाने, और गणेश जी महाराज बैठे हैं कि जिनके मुंह पर हाथी का मद चू रहा है, और उस मद के ऊपर भंवरे ही भंवरे बैठे हुए हैं, उन भंवरों से शिव जी और गणेश जी जो हैं जिनमें सुगंधित उनका जो स्वेटिंग है वो सुगंधित जो उत्तम गज का है, वो कहते हैं कि उसका जो मद होता है उसमें से बहुत खुशबू होती है और भंवर उस पर आ जाते हैं। तो शिव जी जो वो गणपति जो हैं उनके उसके कंठ के गालों के ऊपर जो बैठे हुए भ्रमर हैं उनके बहुत सारी जो है उसमें से गुंजन उसमें पैदा हो रहा है, और म्यूजिक के अंदर इंस्ट्रूमेंट बज रहा है और साथ में उसमें भंवरों की झंकार जो है वो उसके अंदर शामिल हो गई। गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम नाट्यम उच्चते, नाट्य जो है उसमें तीनों गीत वाद्य और नृत्य तीनों ही उसके अंदर, तो वो इंस्ट्रूमेंट जो है दूसरा उसकी झंकार जो है गंडो डीना लिमाला मुखरित ककुवस तांडवे शूल पाणि, और गणेश जी जो है बहुत स्थूल मैटर है लेकिन उसके अंदर भी स्पंदन आ जाता है, स्थूल मैटर में भी स्पंदन, और उसके अंदर वो कहते हैं कि वैनायक्य चिरंबो वदन विदुतया, वो मैटर के अंदर जो वदन गणेश जी का मस्ती में भर करके गणेश जी के नु जो अपना एक कंठ को झकझोरते हुए वो जो चीखे निकालते हैं अपनी, वो जो एक ट्रम्पट की सी ध्वनि होती है, वो ट्रम्पट की ध्वनि जो है वो जो गणेश जी के मुख से निकल रही हैं वो वैनायक्यश्चिरम्भो विनायक की वो जो वदन विधुते है वो जो झूमना है, झूम करके जो गर्दन को एक झटका देना है वो आप लोगों की वो चीतकार बत्या उनके अंदर एक बड़ा ही श्रील किस्म का म्यूजिक जो अंदर जा रहा है वो चीतकार बत्या उनकी वदन विधुतियां आपकी रक्षा करें। इससे अब ये नाटक प्रारंभ कर रहे हैं तो उस नाटक के प्रारंभ में ऐसे लगेगा कि जैसे जो बड़ा, लेकिन जो संस्कृत के विद्वान लोग हैं जो भाषाविद लोग हैं वो इस एक श्लोक के ऊपर एकदम उसके ऊपर मुग्ध हो जाते हैं, उनमें एक एक ऐसा अभी हो जाता है, अब वो इस चक्कर में नहीं पड़ते कि गणेश जी का हाथी का मुंह है या उसका विनायक का मोर कैसे बन गया और वो सांप कैसे आ गया और ये कैसे हो गया, ये सारी चीजें जो हैं वहां से डिसअपीयर हो जाती हैं। एक शिव परिवार का जो सामरस्य है, जो उन समरसता है, परस्पर विरोधी चीजों का जो ऐक्य है वो स्वयं घटित होता है, घटित किया नहीं जाता विचारों से, फोर्स से नहीं किया जाता, स्वयं होता है, इसलिए वो जो स्वयं होता है वो सामरस्य होता है। उसके अंदर ऐसा नहीं होता कि एक बच्चा है वो पैदा होगा तो उसका पहले एक टांग होगी फिर ये होगी, सारे अंग अपने आप स्वतः अंदर से विकसित होने शुरू हो जाते हैं। दूसरा जो पद्य है उसमें पादस्य आविर्भवन्ति मवनति मवने रक्षत स्वैर पाते ही, ये अद्भुत श्लोक है अपने आप में। इसमें वो कहते हैं कि भगवान शिव का एक अजीब किस्म के आर्टिस्ट हैं, स्वयं कलाकार हैं। अब ये कला से सृष्टि का जन्म हुआ है, वो कहते हैं विज्ञान से सृष्टि का जन्म हुआ, ये कहते हैं नहीं कला से सृष्टि का जन्म हुआ, और शिव जो हैं वो कलाकार हैं। डॉक्टर लोग कहते थे वैद्यनाथ, वो बैजनाथ नाम जो है वो भी शिव का है कि वो इज द डॉक्टर ऑफ मेडिसन,
लेकिन दूसरे कहते हैं कि वो सारी विद्याओं का ये तत्व विद्या तो दिया, विज्ञान विद्या सब तुम्हारी, लेकिन यहाँ कहते हैं कि नहीं, कहते हैं कि शिव जो है आज नृत्य करने लगे हैं। तो पादस्याविर्भवन्तिम अवनति अवने रक्षतस्वैरपादी, वो नृत्य करने लगे हैं, लेकिन कैसे करने लगे कि मेरे में जब मंच के जो पृथ्वी रूपी जो स्टेज आज बनी हुई है इसके ऊपर जब मैं स्वैर पाते मैं मुक्त भाव से जब पैर थप से मारूंगा इसके ऊपर तो मेरे पैरों की थपाहट से ये धरती कहीं नीचे को झुक ना जाए, ये कहीं इसमें कुछ हानि ना हो जाए इसकी, उससे धरती की रक्षा को करते हुए इस ढंग से पैर को छुआते हैं, इस ढंग से पैर को स्पर्श करते हैं कि ताकि पृथ्वी के ऊपर किसी प्रकार की कोई जोखिम ना आ जाए उसके ऊपर। तो पादस्य आविर्भवंतिम अवनतिम, पैर के रखने से धरती के अंदर होने वाले झुकाव को बचाते हुए नाच रहे हैं वो। संकोचे नहीं वो दोषणा मुहूर अभिनेता सर्वलोकातिगानम, अब शिव की बाहें जो है वो तो सर्वलोकातिक है, जब उन्हें हम दस भुज कहते हैं तो इसका मतलब है कि दसों दिशाओं में शिव की भुजाएं दसों दिशाओं में जा सकती हैं। तो सारे लोगों से बाहर निकल जाने वाली भुजाएं हैं, लेकिन ये अभिनय है, अभिनय के अंदर इतनी बड़ी भुजाओं का काम क्या है, वहां तो बालक बनना होगा, एक छोटा सा बच्चा बनना पड़ेगा। तो कहते सर्वलोकातिगानम संकोचे ने दोषणाम, दोषणा कहते हैं बाहों को, इतनी विशद बाहें हैं उनको एकदम ऐसा संकुचित किया है अभिनय के लिए, उनको संकुचित किया कहीं इससे नक्षत्रों को चिंता न पड़ जाएगी। और दृष्टिम लक्ष्य शिनोग्राम, और फिर नर्तक जो है वो आंखें उसकी जो है वो आंखों से जो मुद्राएं उसकी बनाता है नृत्य करते समय बड़ी अद्भुत होती है। तो शिव जो है वो अपनी ऑडियंस के ऊपर कहता है दृष्टिम लक्ष्य शिनोग्राम ज्वलन कर्मचम, क्योंकि शिव की तीसरी दृष्टि से ज्वलन अग्नि के कण निकलते हैं, इसलिए वो अग्नि के कण किसी एक जगह पर फोकस होने नहीं दे रहे अपनी दृष्टि को, इतनी तेजी से घुमाते हैं कि कोई वो किसी को ध्वस्त कर ही ना सके, वो किसी को उसका ताप ना पहुंच जाए, इसलिए दृष्टिम लक्ष्येषु नोग्राम ज्वलन कर्ण बद्र तो दाह बीते, किसी के दाह ना हो जाए इस डर के मारे। अब शिव है लेकिन आर्टिस्ट के अंदर, आर्टिस्ट एज ए ह्यूमन बींग जब नाचता है तो उसे अपनी ऑडियंस का अपने लोगों का कितना ध्यान रहता है। तो दाह भीते बदन तो अपनी दृष्टियों को एकदम कहीं भी टिकने नहीं दे रहे हैं। इत्याधारा अनुरोधा त्रिपुर विजयी न, वो शिव जो त्रिपुर विजयी हैं, त्रिपुरासुर जैसे तीनों पुरों में जिसने राज्य अपना शासन स्थापित कर लिया था, उस त्रिपुर का वध करने वाले वो महाशिव, वो आधार के अनुरोध से आज डांस के अंदर, इस नृत्य के अंदर आधार का अनुरोध क्या है कि ये जिनके ऊपर मैं नाचने लगा हूं ये तो छोटा सा हॉल है, ये छोटा सा कमरा है छोटा, तो जैसा जैसा आसन है वैसा वैसा शिव है। आधार का अनुरोध ये होता है कि देखिए जहां पर तो मेरे पास तो पानी का एक गिलास है, तो पानी हम प्यास दोनों को है तो अच्छा आधा आधा पी लेते हैं, ये आधार का अनुरोध है। तो उस सभी जगह वो आधार के अनुरोध से त्रिपुर विजयी भगवान शिव का दुख नृत्यम, ये जो दुख नृत्य अपने को एक जो नितांत विस्तृत है वो अपने को संकोच करके अपने को जैसे स्वयं को पीड़ा पहुंचाते हैं कि ताकि उनके भक्तों को कोई दुख ना हो जाए, तो ऐसा जो भगवान शिव का जो दुख नृत्य है वो आप सब लग, वो आप सब की रक्षा करे। ये उसमें विशाख रथ के नाटक में वहाँ चाणक्य और चंद्रगुप्त का और नंदों के साथ संघर्ष की कथा है, उसका ये मंगल पद्य है, लेकिन एक मंगल पद्य के अंदर आप देखेंगे कि क्या ये किस प्रकार का शिव है, इसको कौन सी मैं उसमें उस प्रयोगशाला में ले जाऊं, किसको कहूं कि वो सब लोग यूं समझने लगेंगे कि ये ऐसी ऐसी शिव की बात, ये सब कल्पना है, इमेजिनेशन है, लेकिन ये इमेजिनेशन नहीं है, ये
कवि के हृदय का सत्य है, वो कवि लोग जानते हैं इसको। दूसरे में स्वयं तीसरे पद्य के अंदर तो वो बिल्कुल एक कमाल का उसके अंदर चित्र दिया है भगवान शिव के नृत्य का, मही पादा आघातात ब्रज सहसा संशय पदम पदम विष्णु भ्राम्य ध्वज परिगुरु। भगवान शिव का ये शिव महिमन स्त्रोत्र के अंदर वो कहते हैं कि शिव का आज नृत्य होने जा रहा है, तो धरती जो है शिव के पांव के आघात से, कि जैसे ही वो पांव मारेंगे पहले ठुमका लगेगा, तो उस पाद के आघात से वो बेचारी घबरा उठती है, संशय पदम जाती पृथ्वी घबरा उठती है कि मैं सहन भी कर सकूंगी कि नहीं। पदम विष्णु और ब्राह्म्य अद्भुत परिगुरु गणम, और जो स्पेस अंतरिक्ष जिसमें नक्षत्र तारा सब घूम रहे हैं, वो सारे के सारे परेशान हो गए हैं कि नित्य के अंदर शिव जब अपनी बाहें घुमाएंगे उठा तो हमें कहीं वो भुज परिघ, वो इतनी स्ट्रांग भुजाएं हैं, वो अगर हमारे साथ कहीं टच कर गई तो हम सर्वाइव भी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। और तीसरा कहता है मुहूर्त जोर, और ऊपर उसे स्पेस के ऊपर अंतरिक्ष के ऊपर जो है द्यूलोक है, सूर्यलोक से भी ऊपर वो द्यूलोक जो है, वो कि शिव जो है जब नृत्य करते समय अपनी जटाएं सिर घुमाएंगे तो उनकी जटाएं द्यूलोक के ऊपर में कहीं टकरा जाए, अगर टकरा गए तो द्यूलोक जो है वो भी घबरा जाता है। मुहूर्त दौर दौस्थ्यम या त्यनभृत जटा ताड़ित जटा, निरंतर जटाओं से ताड़ित होकर के द्यूलोक जो है दौस्थ्यम जाती, वो एकदम हिल जाता है द्यूलोक में। लेकिन कहते हैं जगत रक्षाए तुम, हे शिव देखने में तुम इतने भयंकर, तुम्हारा इतना विराट रूप, और उस विराट रूप के अंदर तुम धरती तुम्हारे पांव के रखने से घबराने लगती है, विष्णु का पद अंतरिक्ष जो है उसके नक्षत्र ग्रह गण तारा वो अपनी टकराहट से अपने को सरवाइव करने के चक्कर में पड़ जाते हैं, और ड्यू लोग जो है वो तुम्हारी जटाओं के आघात से पीड़ित होने से बचने लगते हैं। लेकिन तुम्हारा नित्य तो जगत रक्षा ही तुम नटसी, लेकिन तुम्हारा जो स्पंदन है, तुम्हारा ये जो नृत्य है वो जगत रक्षा के लिए, विश्व की रक्षा के लिए नटसी तनु नाम ही विभुता, तुम्हारा जो तुम्हारी जो विभुता है ये बड़ी, अब देखिए विभुता वामैव, वामा का मतलब क्या है, ये बिल्कुल व्यंजनात्मक है, इसको सहृदय लोग ही समझ पाते हैं, दूसरे लोग नहीं समझ पाते। ननु वामैव विभुता, आपकी विभुता बड़ी अजीब है, लगता यह है कि आप मारेंगे लेकिन होता उसमें प्यार है, लगता है कि ऐसे हो जाएगा लेकिन नहीं, वो लग रहा है ऐसे आपको लेकिन उसके पीछे कहीं अनिष्ट का कोई संकल्प ही नहीं है। ये इन श्लोकों का मौनिक अर्थ, ये तीनों ही शिव नृत्य के संस्कृत के आचार्यों ने, और भी बहुत से ऐसे पद्य हैं जिनके माध्यम से संस्कृत के आचार्यों को कवियों को जो उसका अगर संस्कृत के माध्यम से निरूपण करेंगे तो बहुत से लोगों को उसमें आश्चर्य होगा कि ये दृष्टि उस समय उनको आज दृष्टि कहाँ से हुई, संपूर्ण विश्व के बारे में वो सोच रहे हैं, भू भुवा स्वाह तीनों लोगों के बारे में तो सोचते ही हैं, लेकिन इन तीन लोगों के ऊपर महाजना तपा सत्यम के बारे में भी उन्होंने सोचा, उन्होंने विचार किया और विचार करके उसमें अनुभव किया इस तरह। तो अब हम उसके अगर ये केवल नटराज के ऊपर जब हम आते हैं, दक्षिण में ज्यादा इसका प्रचार रहा, हम उसमें नाट्याभिनय में उसको आचार्य जो है नाट्य का भगवान शंकर को ही मानते हैं, नाट्य शास्त्र के आचार्य ब्रह्मा हैं, और उसके जो नाट्य है कला है नाट्य जो है उसका प्रारंभ वहीं होता है। वैष्णवों में भी विष्णु में भी नाट्य का है, तो लेकिन विष्णु का नाट्य जो है उसके माध्यम से रासलीला आई, जैसे शक्ति के माध्यम से लास्य नृत्य आया है, नृत्य के कई प्रकार आए, तो उसी प्रकार से शिव के लगभग 14 के करीब, ये तांडव एक तांडव ही नहीं है शिव का, शिव के 14 नृत्य और पार्वती के भी 14 लास्य नृत्य, और
शिव के नृत्य को कुछ लोग नृत्य कहते हैं और पार्वती के नृत्यों को लास्य को नृत्य कह देते हैं। तो ऐसे ही वैष्णवों ने भी जब ये बाल कृष्ण जो वृंदावन में अवतरित होते हैं रास के लिए, रास भी एक उनका नृत्य था, उसमें भी श्रीमद् भागवत कार जब वो बनाते हैं वर्रा पीड़म नट वर वपु कर्णे उख कर्णे कारम, आज कृष्ण ने अपना एक बाल कृष्ण है लेकिन आज रास के लिए उसने कैसा आयोजन रचा है, और मोर का पंख लगा हुआ है, बर्रा पीड़म बर्रा मोर के पंख का मुकुट है धारण किया, नटवर बपु लेकिन जो नटवर है एक डांसर है उसका बपु स्वरूप उसका ग्रहण किया हुआ है नटवर बपु, कर्णे वो कर्णिकार कानों में कर्णिकार के फूल है पीले रंग के सोन रंगी फूल है, बिभ्रद्वासक कनक कपिशम और गोल्डन ड्रेस उसमें पहनी हुई है, सिल्कन वो ड्रेस एक डांसर की ड्रेस पहनी हुई है, बिभ्रद्वासक कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम और गले में वैजयंती माला पहनी हुई है, और रंध्रान वेणो रथर सुधया, लेकिन डांस म्यूजिक के बगैर तो होता नहीं है, तो इसलिए मुंह के ऊपर जो बांसुरी लगा रखी है रंध्रान वेणो रद्र सुधया पूरियन गोप वृंदे, आज कृष्ण गवालों के साथ वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति, वो गीत कीर्ति भगवान कृष्ण जो है वो आज नृत्य करने के लिए वृंदावन वृंदावन्यम स्वपद रमणम, वृंदावन क्यों कहता है, क्योंकि वो कृष्ण के अपने पैर रखने से ही जो सुंदर हो उठा है, वृंदावन इसलिए सुंदर हो उठा है कि कृष्ण ने आज उसमें नृत्य कर रहा है, वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। तो ये एक जो भक्त लोगों का पौराणिकों का आगमिकों का दूसरे कवियों का जिन लोगों का भी शिव के प्रति एक दृष्टिकोण रहा, वो एक वैश्विक एक ऐसा है कि किसी भी रूप में वो कला के माध्यम से कला में उसको अनुप्रविष्ट आप कर सकते हैं। वो वास्तव में उसका कारण क्या था कि वो जो एक संपूर्णता है वो आपके भीतर विद्यमान है और उसको आप किसी तरह से अनुभव करना चाहते हैं, और अनुभव करने के लिए आपको वाणी का सहारा लेना पड़ता है, और वाणी का सहारा जो है उसके अंदर आपको गुरु की शास्त्र की आचार्य की गाइडेंस लेनी पड़ती है, थोड़ी बहुत वो करना पड़ता है। तो ये जो साधारणतः मैं समझता हूँ कि नटराज तीन नृत्यों का परिचर्चा आमतौर पर नॉर्मली होती है, जिनमें से एक ऐसा नृत्य है जो बड़ा संहारक नृत्य है जैसे तांडव नृत्य है, ये तांडव नृत्य ऐसा है कि जिसके अंदर शिव जो है वो दस बाहों में दस भुजाओं के अंदर आविर्भूत होते हैं उसमें, लेकिन ये नृत्य शमशान में होता है, ये अब जो सनातन के लोग शिव स्तोत्र पढ़ने वाले शमशानेश्वा क्रीड़ा स्मर हर पिशाचा सहचरा चिता भस्मालेपो गरल मशनम दिक्पट धरो, बिल्कुल एक ऐसा नृत्य है जिसके अंदर कोई मर्यादा कोई सीमा है जो सारी की सारी जो सब सब की सब कोई लिमिट नहीं, वहां पर वो शमशान के अंदर नृत्य है। और ये शमशान क्या है, ये शमशान का भी उसका जो सिंबॉलिकल उसका जो व्याख्यान किया है अर्थ किया है लोगों ने वो बड़ा मार्मिक अर्थ किया है कि हृदय की चित्त की समस्त वासनाओं के अंदर चित्त जो है शमशान के माने क्या है कि वो एक शून्य स्थिति, एक ऐसा शून्य जिसमें अन्य का प्रवेश ना हो, ऐसी ही स्थिति साहित्य में जो रस दशा है उसमें आती है कि लोकांतरस वेद्यांतरस स्पर्श शून्य, अन्य कोई वेद नहीं रहता है उसके अंदर, अन्य वेद सब निकल जाते हैं, सिर्फ केवल मात्र उसमें रस ही आविर्भूत होता है, रस का ही अधिदेवता नाट्य रूप में वो आविर्भूत होता है उसके अंदर हृदय के अंदर ही आपके वो। तो उसमें वो कहते हैं कि ये जो नृत्य है इसके अंदर संहारक नृत्य इसको कह देते हैं कि वो सब का सब, और
लेकिन डर के मारे आम जो फोक है वो इसको तामसिक नृत्य भी कहते हैं कि ये तमस का नृत्य है कि जो शमशान के अंदर उनका नृत्य होता है। तो वो शमशान के नृत्य में कुछ लोग भय का अनुभव करते हैं, लेकिन भक्त लोग वो समझते हैं कि शमशान के माने ये है कि समस्त वासनाओं को ध्वस्त करके उसके अंदर जो आंदोलन शिव का जो ये जो आंदोलन है, स्पंद शब्द है जी, शैवों के शब्द बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं, इनकी अलग से व्याख्या होने के लिए बड़ा समय चाहिए और मैं समझता हूँ समय का बड़ा त्रुटि है इस समय। और दूसरा नृत्य जो है वो एक प्रकार का उनका एक उसे कई लोग योग नृत्य भी कहते हैं, और वो ये है कि प्रदोष नृत्य सायंकाल का नृत्य है। तो सायंकाल का नृत्य जिसका चित्रण मैंने पहले श्लोक में किया था वो उस प्रदोष नृत्य का ही स्वरूप उसके अंदर एक प्रकार से रखा गया है। लेकिन उसका प्रदोष स्तोत्रवादी में एक बड़ा विस्तृत रूप उसका दिया गया है कि आज भगवान शिव जो है वो शक्ति को, क्योंकि कैलाश के ऊपर एक आज महफिल बैठेगी कैलाश पर्वत के ऊपर, कैलाश का कहीं मेरे ख्याल स्वामी प्रणवानंद ने अर्थ किया है कि शिव और शक्ति की केलियों का जो समूह है सैव कैला है, वो केलियों का जो समूह है वही कैला है, तीन आश्रिते यत्र स कैलाश। तो वो शिव और शक्ति की जो केलियों का क्षेत्र है उसमें उसके माध्यम से जब जब उसमें आसनस्थ हुआ जाता है तो वो कैलाश पर्वत है। तो उस कैलाश पर्वत के ऊपर अब आप कैलाश पहाड़ पर पहाड़ मान लीजिए या आप कैलाश को अपने भीतर अनुभव कर लीजिए, जैसे भी करना है वैसे देख लीजिए, ये छूट है, ये पूरा उसके अंदर संस्कृत की परंपरा के अंदर उसका कोई प्रतिबंध नहीं किसी तरह का। तो वो नृत्य में देवी को उसमें एक ऐसी शिला के ऊपर जो बिल्कुल गोल्डन उसमें हीरे जवाहरा से जड़ी हुई शिला पर उसको बिठाते हैं और बिठा करके अपने नृत्य का आयोजन करके, तो सभी उसके अंदर देवता जो हैं उपस्थित हो गए हैं, सब लोग इकट्ठे हो गए हैं। सायंकाल की आज गोष्ठी है, नित्य गोष्ठी जो है सायंकाल की है, शिव उसमें नृत्य करेंगे। तो उसके अंदर वो आ जाते हैं तो तुरंत इंद्र जो है वो बांसुरी ले लेते हैं, सरस्वती वीणा धारण कर पकड़ लेती है, और लक्ष्मी जो है वो गाने लगती हैं, और विष्णु जो है वो मृदंग पकड़ लेते हैं, विष्णु मृदंग पकड़ते हैं, इंद्र बांसुरी पकड़ लेते हैं, और सब इस तरह से एक पूरा ऑर्केस्ट्रा वहां पर कैलाश के ऊपर सज जाता है। और ये इस गोष्ठी के अंदर उसमें शिव का नृत्य जो होता है वो नृत्य जो उसमें सभी जितने भी देवी देवता गण सब सब के सब उस प्रदोष नृत्य के अंदर आकर के प्रवृत्त हो जाते हैं। तो इस नृत्य के अंदर, प्रदोष नृत्य के अंदर, सायंकाल के नृत्य के अंदर, इसमें भक्त जो है वो एक शिव के साथ शिव लोक के अंदर स्वयं अनुप्रवेश करता है, वो उस गोष्ठी का अपने आप को एक प्रकार से उसमें सहभागी मान के चलता है। और तीसरा जो इसके अंदर शिव का नृत्य का जो जिक्र आता है उसका, उसको भी टेक्निकली लोगों ने नाम दिया है नादांत नृत्य है, कि नादांत नृत्य कैसा है, कि नादांत नृत्य ये जिसका चित्र यहाँ पर विद्यमान है हमारे सामने, इस नादांत नृत्य के ही ये चित्र है पूरे का पूरा, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि इसको वरद नृत्य भी कहते हैं, कि वो सारे का सारे जो नृत्य जो नादांत नृत्य जो है वो एक प्रकार का वरद नृत्य है। कि तीसरे नृत्य में पहला जो था वो शमशान नृत्य था, दूसरा जो था वो एक प्रकार की गोष्ठी एक सौंदर्य दृष्टि से था, अब जो एक तीसरा नृत्य आया नादांत नृत्य उसके अंदर सिर्फ ये है कि जो विश्व है सारा जो लोक है उसके लिए सबको तथास्तु 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 का वितरण हो रहा है केवलवाद। तो उस वितरण की प्रक्रिया को उन्होंने जिस ढंग से
वर्णन किया है नटराज के स्वरूप में कि वहां पर पहले नृत्य में 10 भुजाओं में शमशान नृत्य में थे और दूसरे नृत्य में वो 2 भुजाओं में आते हैं शिव, जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग, मनुष्य की तरह नृत्य कर रहे हैं। वो एक रंजनात्मक नृत्य है, उसको देवी को प्रसन्न करने के लिए नृत्य प्रस्तुत किया जा रहा है, प्रदोष नृत्य जो है। अब चतुर्भुज हो जाते हैं इसमें नादांत नृत्य के अंदर, क्योंकि ये थोड़ा ऊपर हम जब उठते हैं तो उसमें एक प्रकार से नादांत को हम अगर जो नाद के क्षेत्र के अंदर जो आ रहे थे बाकी का नृत्य, अब एक नाद से ऊपर जाने का जो प्रयास जिसे हम कहते हैं, तो उसमें कहते हैं कि ये नृत्य बड़ा एक थोड़ा विचित्र सा ऐसे लगता है कि जिसका कुछ उनका वहाँ दक्षिण का जो कोयल पुराणम है उसमें कुछ घटना इस प्रकार की वर्णित है, जिसमें ऐसे लगता है कि कुछ लोग जो थे वहां पर नास्तिक, कुछ लोग नास्तिक ऋषि पैदा हुए थे। नास्तिक ऋषियों को पैदा होने से उन्हें देवताओं ने कहा कि ये लोग जो दैवी सत्ता है उस दैवी सत्ता को स्वीकार करने की अपेक्षा ये अपनी उसमें कर्मकांडीय व्यवस्था को ही ज्यादा महत्व देते हैं, ये कुछ उसमें मानते नहीं कि कोई उसमें दिव्य सत्ता है या कोई इस प्रकार की ईश्वरी सत्ता है। तो भगवान शिव जो है वो विष्णु के साथ सलाह करके और उसमें विष्णु जो है स्वयं वो एक साधु बन जाते हैं, एक सज्जन व्यक्ति का रूप धारण करते हैं शिव, और उसके साथ विष्णु जो है वो उनकी पत्नी का रूप धारण कर लेते हैं। तो वो उस प्रकार से जाते हैं उन लोगों के पास और उन लोगों को भी, वो जो नास्तिक ऋषि थे उनको भी लगा कि ये हमारे पर कोई आक्रमण की दृष्टि से आ रहे हैं या क्या है, तो उन्होंने अग्नि के माध्यम से उसको एक शेर जो था वो अपने इनकैंटेशन से उसमें जादुई सत्ता से उन्होंने वो पैदा किया और उन्होंने उसको भेजा और शिव ने उसको व्याघ्र को मारा और मार करके उसको आसन उसका बना लिया। उसको फिर उन्होंने स्नेक भेजा, उस स्नेक को उन्होंने दबा लिया, उन्हें अपने कंठहार बना लिया, उसे पकड़ा, पकड़ के गले में डाल लिया। फिर उन्होंने एक मुयक नाम का एक वामन बौना सा एक उसमें वो दानव समझ लीजिए उस प्रकार का, उसका दूसरा नाम है अपस्मार। अब यहाँ हम अनुप्रवेश करते हैं कि वो जो अपस्मार जो है वो जब शिव की ओर प्रहार करने गया तो शिव ने वहां पर अपस्मार को पकड़ के अपने दाएं पैर के नीचे दबा लिया उसको। अब ये अपस्मार क्या है? ये अपस्मार अपस्मृति जिसे कहा जाता है कि स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशा है, बुद्धिनाशात प्रणश्यति, ये अपस्मार रोग है एक प्रकार का और वो स्मृति भ्रंश कर देता है। तो शिव जो है उसमें वो अपस्मार को पांव के नीचे दबा लेते हैं और एक उसमें मृग आता है, वो मृग जो है वो उन व्याघ्र आदि से संतरस था, उसको वो अपने हाथ में उठा लेते हैं। तो वो शिव का वहां पर वो जो उसके बाद जो नृत्य है उसके अंदर 4 भुजाएं जो है, तो उन 4 भुजाओं के माध्यम से जो प्रतीक जो दिए हैं कि दक्षिण भुजा, एक दक्षिण भुजा जो है वो अभय मुद्रा के अंदर स्थित है, अभय दे रही है, और एक भुजा उनकी जो है वो उसमें वाम भुजा एक और अग्नि को धारण किए हुए है, और एक दक्षिण भुजा जो है वो डमरू बजा रही है। अब डमरू का प्रतीकात्मक उनका उसका सारा जो अर्थ उसका है कि सृष्टि का जो मूल स्पंदन है वो मूल स्पंदन किस प्रकार से सृष्टि के अंदर जागृत होता है, सृष्टि के जागरण के अंदर ये जो प्रथम स्पंद, द्वितीय स्पंद और 3 स्पंदों की कल्पना की है उन्होंने, इसलिए वहां पर वो ये जो दक्षिण भुजा में एक स्पंदन एक डमरू है जो नाद बजाया उन्होंने और दूसरे उसी में से 14 सूत्र निकले पाणिनि के, दूसरी भुजा जो है
दक्षिण भुजा वो अभय भरत अभय मुद्रा के अंदर है, तीसरी भुजा में अग्नि है। अब ये अग्नि जो है वो जो ऋषियों ने अग्नि का प्रहार किया था वो है, या ये अग्नि जो है ये फ्लेम है, चेतना का प्रकाश का फ्लेम है। और तीसरा वो जो भुजा है उसे वो उसका टेक्निकल कुछ नाम है, दंड पानी करके उसमें हाथ की मुद्रा जो सीधी बाम, वो बाईं वो जो उठा हुआ पैर है उसकी ओर वो संकेत कर रहा है। तो कुछ लोग उसे शरण की ओर जाने की बात करते हैं कि भगवान शिव की इस शरण में आ जाओ तुम लोग, उस शरण की ओर संकेत कर रहा है वो हाथ। इस तरह से चारों भुजाओं का विभिन्न प्रकार से लोगों ने पुस्तकों के अंदर ये वर्णन सब मिल जाते हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं। लेकिन प्रतीकात्मकता ये है कि परम शिव का जो स्वरूप है वास्तव में वो एक उसको किसी एक एक जगह के ऊपर किसी एक मंदिर में ही विशेष रूप से किसी एक खास अंतरिक्ष में ही भूमि पाताल में कहीं पर भी शिवत्व जो है वो लभ्य है। लेकिन लभ्य कहाँ है वो ये सारे के सारा जो है संपूर्णता को जब आप हृदय से अनुभव करते हैं तो कश्मीर शैविज्म ने इसका समाहार कर लिया है। इसलिए तो उसमें कश्मीर शैविज्म जो है वो शिव नृत्य को इस प्रकार से व्याख्यात करता है, रंगोंतरात्मा की जो अंतरात्मा है मेरा जो कंडीशनल सेल्फ है वही रंगमंच है और उसके अंदर उसके उसी के ऊपर जो मेरा आत्मा है जो मेरा चैतन्य है वही नर्तन कर रहा है। वो नर्तन उसका नर्तन क्या है उसका जो स्पंदन उसका जो वाइब्रेशन ये जो मूल वाइब्रेशन है सृष्टि में जो इच्छा का उदय होना है प्रथम स्पंद जो है कि एको हम बहु श्याम की बात जैसे उन्होंने की थी कि वो एक प्रथम स्पंद है। द्वितीय स्पंद में सृष्टि का द्वितीय विकास होता है, फिर उसमें तीसरी स्थिति के अंदर आकर के संतान, पहला स्वयं स्पंद स्वाभाविक अपने स्वभाव से स्पंद पैदा होता है और दूसरे में आप एक से दो होना चाहते हैं और फिर दो से तीन ये सृष्टि का क्रम यहाँ पर हो जाता है। तो वो कहते हैं कि ये अंतरात्मा के रंगमंच के ऊपर आत्मा का जो नृत्य है तो उसको देखने वाला कौन है, प्रेक्षकाणि इंद्रियाणि, ये तीन सूत्र शिव सूत्र कश्मीर शैविज्म के जो है वो उस शिव के नृत्य को अपनी भीतर ही अपने समाधि स्थिति के अंदर योगी लोग जो है उसका अनुभव करते हैं और उस अनुभव से ये कश्मीर शैविज्म ने संस्कृत को योगदान किया है। वो चाहे कालिदास रहे हों या उसमें हम वैदिक टाइम के जो सूक्त हैं उनको अगर छोड़ दें तो, लेकिन बाद की कलाओं में कालिदास का बहुभूति का अन्य नाटककारों का और उसमें शिव की सूक्ष्म भंगियों का जो निरूपण जिस ढंग से किया है तो कश्मीर उसमें शैविज्म कहता है इस बात को कि हृष्यति नित्यति गायति गारम संवेदियम मम भैरवनाथ। अभिनव गुप्त जो थे वो शिव के नृत्य का ध्यान करते ही हैं तो नृत्य का ध्यान करते खुद भी नाचने लगते हैं। हृष्यति नित्यति गायति गारम संवेदियम मम भैरवनाथ, हे भैरवनाथ मैं तो स्वयं नाचने लग गया हूँ, मेरी संवित जो है आनंद से उसका उद्रेक हो रहा है और आनंद में भर करके जो अंग विक्षेप होता है वो नित्य बन जाता है। तो इसका मूल संचार जो है वो सत और चित की अपेक्षा यहाँ आनंद सत्ता आनंद प्रधान है। सत्ता और चेतना जो है वो मूल में है पीछे है, आनंद जो है जब वो मुखरित होता है तो कला का जन्म होता है। जब सत्ता में चेतना का प्रादुर्भाव होता है तो शास्त्र और विज्ञान आदि का आविर्भाव हो जाता है तो उसके अंदर ज्ञान शक्ति प्रधान हो जाती है। तो यहाँ पर क्रिया शक्ति का प्राधान्य है और मूल में उसके आनंद शक्ति जो है शिव की आनंद शक्ति जो है तो सानंद क्रिया शुरू किया था हमने सानंदम नंदी हस्तात, इस आनंद से ही शिव जो है नृत्य करते हैं
और उस नृत्य का प्रयोजन लोग अपना उसका प्रयोजन बना लेते हैं, लेकिन शिव का उसमें कोई प्रयोजन नहीं होता है, वो एक आत्मा विव्यंजन के लिए, अपनी आत्मा का ही विस्तार करने के लिए, जगत रक्षाए तुम नटसी ननुभामे बिभूता, तुम तो जगत की रक्षा के लिए ही नाचते हो, और लोगों को समझ में नहीं आता है, लोग तुम्हें देख करके कि वो शमशान वासी है, अघोरी है, और ये ऐसा सोच करके लोग डरने लगते हैं, लेकिन डरने की उसमें बात कुछ नहीं होती है, वही तो एक अद्भुत रस कर सभी नौ रसों को आविर्भूत तुम करते हो सभी प्रकार के उसमें। तो मैं समझता हूँ कि इस दृष्टि से जो हमने परिचर्चा की है, इसका थोड़ा समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए समझता हूँ कि जो पर्याप्त है, अगर कुछ लोगों के प्रश्न होंगे तो उससे परिचर्चा कर लेंगे। बहुत बहुत आप सब लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत विस्तार पूर्वक आपने जो विषय हमें बताए, और विशेष रूप से इन तीन श्लोकों का जो आपने भावपूर्ण, जिसमें बौद्धिकता भी है और सहृदयता भी, रसिकता भी विद्यमान रही है, इस अर्थ से हमें परिचित कराया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और जितने आपने इसके आयाम हमारे साथ सांझे किए हैं, वो निश्चित रूप से उसने हमारी दृष्टि को भी विकसित किया, और हमारी बुद्धि को जो कभी ना कभी थी, और निश्चित रूप से हम गहरे से समझ पाएंगे और अनुभव के सर पे हम जा पाएंगे। जैसा कि परंपरा हमारी है कि हम चर्चा सत्र रखते हैं बाद मुख्य, और उसमें भाषण के बाद मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर रविंद्र कुमार गुप्ता जी को। उनका मैं विशेष धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि कल उन्होंने मेरे साथ कई मूवीज के वीडियोज शेयर किए, जहाँ पर तांडव नृत्य के, जहाँ पर बहुत सारे जो है नृत्य उसमें दिखाए गए थे, और विशेष रूप से स्त्रियों के, पुरुषों के नृत्य तो नहीं देख पाए तांडव में लेकिन स्त्रियों ने जरूर नृत्य किए तांडव नृत्य। तो मुझे लगा है कि वो उस पर टिप्पणी करें। उसके बाद राजेंद्र जी हैं, डॉक्टर साही जी हैं, और भी जिन लोगों के हैं, वो सभी अपनी बात संक्षेप में और सटीक रूप से रखें। प्लीज डॉक्टर रविंद्र जी, आपसे हम बात शुरू करते हैं। सर, मैंने तो इसलिए हाथ किया था कि मैं सबसे बाद में छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि इतने बड़े विद्वानों के बीच में मेरे जैसे मूर्ख का कोई काम नहीं है पहले टिप्पणी करने का। नहीं नहीं नहीं, आप हृदय हैं, ऐसा नहीं है। कल जो आपने वीडियोस भेजे मेरे साथ मूवीज के, बहुत कमाल के थे, एडअप नहीं कर पाया हूँ। जी जी, चलिए चलिए बाद में ले लेते हैं आपकी बात। तब तक डॉक्टर साही जी मैम, आप प्लीज अनम्यूट कर लें अपने को, और चेन्नई से बोल रही हूँ। स्टूडेंट इन डांस ऑफ गुरु डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम, आपको तो पहचान होगा, पद्म भूषण अवार्डी, और उन्होंने तो ये टेम्पल स्कल्पचर्स के बारे में बहुत से रिसर्च की है, करणा स्कल्पचर्स पर्टिकुलरली, और इन फिलोसफी आई एम स्टूडेंट ऑफ डॉक्टर गोदावरीश मिश्रा, वो तो आईसीपीआर के मेंबर सेक्रेटरी थे। मेरा डॉक्टरल थीसिस अभिनव गुप्ता के बारे में था, आचार्य अभिनव गुप्ता जी, और उनके अभिनव भारती में। और मैं तो ये नटराज का जो आप आइकॉन दिखाए, आई वॉज रिमाइंडेड अबाउट माई गुरुज वर्क इन तांडव लक्षणम चैप्टर ऑफ नाट्यशास्त्र। उन्होंने मेंशन किया है कि दिस नटराज फिगर
has come from the 24th Karana. Karana is the concept of the temple sculptures. When we see it, then it appears in the form of sthiti, completely frozen in stone. But actually, the gati is there behind it in the form of movement. और वो स्थिति गति का जो कॉम्बिनेशन है वो करना की बेसिस है. करना इज अ डांस मूवमेंट और वो फुल डिस्कशन फोर्थ चैप्टर का तांडव लक्षण में हुआ है नाट्य शास्त्र में. और 24th करना ही भुजंग त्रासित करना है. वो भुजंग त्रासित करना करने के समय ये जो पोज हम देखते हैं नटराज जी के जो बाया फुट लेफ्ट फुट इज रेज्ड एंड दिस आई कैन सी दैट इज एक्चुअली फ्रोजन मोमेंट इन द परफॉर्मेंस ऑफ द भुजंग त्रासित करना. तो उसमें इतना ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन है और उस एक्सप्लेनेशन में ये स्थिति गति की पूरा एम्फेसिस दिया है. और ऑल्सो द कॉन्सेप्ट अभिनव गुप्ता जी कहते हैं कि व्हेन वी टॉक अबाउट स्थिति गति इट इज एक्चुअली इन वन सेंस ऑल्सो द कॉन्सेप्ट ऑफ नाद एंड बिंदु. That is, वो एक पॉइंट है एक और उस स्टिल पॉइंट के अराउंड ऐसे एक्शन होता है. तो वो स्टिल पॉइंट होने से ही वो एक्शन इज पॉसिबल. सो आई थिंक दैट इज द बेसिस ऑफ द साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑल्सो दैट देर इज बोथ स्टिलनेस एंड मोशन. द कॉन्सेप्ट ऑफ शिव शक्ति सामरस्य व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इन अर्धनारीश्वर कॉन्सेप्ट ऑल्सो. सो मैं ये बस शेयर करने चाहती थी. आप तो सब बहुत बड़े जापवान हैं पंडित है. मुझे तो इतना नहीं आता है पर आपके ये टॉक सुनकर आपके ये सीरीज प्रोफेसर आंगिरस के ये जो अटेम्प्ट है ये चेष्टा मुझे तो बहुत मैं बहुत आभार हूँ आप सबके. आप गोदावरी से जिसे मेरा नमस्कार कहिएगा. हाँ जी जी बिल्कुल 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 उन्होंने बहुत बताया आप सबके बाद. बट एज अ डांसर आई वाज लुकिंग एट द नटराजा स्टैचू और आप जो बताएं प्रदोष पूजे प्रदोष का पूजा हम तो हर प्रदोष यहाँ करते हैं 4:30 to 6 इन द इवनिंग. जब वो आनंद तांडव संध्या तांडव डांस किए थे करके सब टेंपल में यहाँ पर पूजा चलता है प्रदोष के दिन सायंकालम. हाँ तो मैं मेरा ये छोटा सेट मैं मेरा एक नहीं नहीं बहुत बढ़िया और आपने बल्कि हमारे सामने एक नई यू हैव ओपन्ड अ न्यू what are the values they have in, imbibed into it, all those things. So whenever you are free and you can deliver a lecture for us, that will be request you to we'll, okay, spare some time for us. Thank you, sir. It would be a blessing for me. Only I'm very, I would say frankly, very intimidated by the scholarship that is of all the pundits here in the talk today. So in the session today, just whatever little I know by the grace of my gurus, I will be happy to present. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. Thank you. Rajendra Malti. Madam Rajendra. Hanji, Hanji. Hanji, namaskar, sir. Namaskar. Ji, ma'am. Namaskar. Namaskar. नमस्कार सर. बड़े अंगिरस जी को नमस्कार कर रही हूँ. प्रणाम. आपसे वो बात हो गई सर. सर वैसे तो देखो वो सूर्य को दीपक दिखाने वाली बात है. ये टिप्पणी तो हम कर नहीं सकते. कुछ के मन में एक भाव आया तो मैं उसको कहना चाहती थी सर. जैसे हम रामायण रामचरित मानस पढ़ते हैं ना सर, तो उसमें जब राम या ये अपना राम की पूजा पढ़ते हैं कविता, तो सर उसमें जो जब विष्णु शिव की बात कहते हैं या शिव विष्णु के प्रति होते हैं, तो रमाकांत जी का आज मुझे बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे विष्णु जी शिव की बात कह रहे हैं. और मैं बहुत इमोशनली होकर सुन रही हूँ. मुझे आपकी वो बात बहुत अच्छी लगी कि आप अगर व्याख्या करते तो वो चीज ना होती. ये बात बिल्कुल सही है. अंकिरस जी जब हमारे कुरुक्षेत्र में आते थे, कौशल जी बैठे हैं, तो एक बार ये विज्ञान अकुंतलम पे व्याख्यान था, तो मैंने कहा ये तो फिलोसफर हैं
ये अभिज्ञान शक्ति तो हम कैसे रहेंगे, क्या बताएंगे, हम तो सुन नहीं पाएंगे कुछ ऐसा। उस समय बच्चे थे सर, बहुत एमए कर रहे थे, अकल तो थी नहीं तो सर। लेकिन उसी टाइम उसी लेक्चर सुनने के बाद जब मैं बाहर आई तो मैंने सुरेंद्र मोहन मिश्रा जी से कहा कि ये तो अभिनव कालिदास है। बिल्कुल बिल्कुल यही कह पाएंगे। तो उसके उससे तब से लेके मैं सर को अभिनव कालिदास ही कहती हूँ हमेशा। और मुझे आज सच में ये लगा कि जैसे वो रामचरित मानस का जो प्रसंग था ना सर, और रामायण का सर, वो बिल्कुल आंखों के सामने आ रहा था कि विष्णु घूम रहे हैं मोहिनी रूप में और शिव की प्रशंसा किए जा रहे हैं। बस सर मुझे यही कहना है। और सर मैडम से एक चीज मेरे को दिमाग में आई कि हम कश्मीर शैविज्म के साथ भी ये दक्षिण का जो नृत्य है इसको थोड़ा हम तालमेल कर सकेंगे, क्रिटिकल थोड़ा हम ये सोचेंगे। ठीक ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। मुझे लगता है वो हमें अधिकार है ना, सहधर्मिता का वो अधिकार हमें दे दें। वो मैं हाँ जी हाँ जी वो देंगे सर, ठीक है सर, थैंक यू। और डॉक्टर सदानंद जी प्लीज अनम्यूट जी। व्हाट आई वाज थिंकिंग while the lecture was going on, and suppose we didn't have this capacity for symbolization and helped by our beliefs because of our birth and development in this part of the world, suppose we didn't have this capacity, it was not evolved, what would have been our perception? There are minds which are developing in other cultures where such symbolizations, they have to deliberately come over here and learn the other cultures. How they will be conceptualizing the Shakti, the universal Shakti. These things were going on in my mind. And okay. Last but not the least, there is a tendency for the human, not may not be in our culture but in some other cultures, to occupy the position of God, the Almighty, and that is very faulty. There are two publications by Yuval Noah Harari, Yuval Noah Harari. Two publications. One is Homo Sapiens. Next one is interesting, Homo Deus. That means Homo, that is the human being, almost trying to take up the position of the Almighty, and utilize the power in the universe in the wrong way, in the wrong direction. Very interesting outlook. Philosophically written, interesting reading. And in the South, Chidambaram, it is the representation of Shiva, mainly Chidambaram Kshetram, Chidambaram Temple, Nadaraja Temple. And there is something called Chidambara Rahasyam. Yeah. And that is exactly what Professor has today elaborated in great detail for us. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Dr. Birinder Dhillonji, he is a head department of history at Yamunanagar. So, sir, please unmute yourself. Thank you, sir. See, I have very little knowledge of Shiva and the mythology concerning, especially from Sanskrit sources. But because I was listening to a specialist who is expert in language as well as a person who has taught and who has such a long experience of teaching and research. So first, salute to him for deliberating on such a wonderful and well-meaning talk. Second, when I was listening to him, something was coming in my mind related to Shiva.
See, it could be a comment or it could be a question. See, I am no authority to comment, as I can say, because he is expert. But my question or my means doubt in my own mind is that how do we see Shiva as a cultural person, as a religious person, when it comes to portraying him as a dancer, means as a dancer, as a cultural person, how people perceive him as a cultural person, as a person who is being seen as God also, means a political person, you can term it. So it's coming to my mind, and I thought I should share it with you so that I can be like in a better position to understand it. शिव जो है वो व्यक्ति के रूप में और गॉड गॉड जरा भ्रामक हो जाता है, लेकिन चलिए फिर भी हम गॉड के रूप में दोनों का समन्वय और किस रूप में देखते हैं और कल्चरल एंटिटी जो होती है वो कैसे है। और मुझे लगता है कि अगर इस डॉक्टर साहब के क्वेश्चन को थोड़ा सा और एक्सपेंड करें तो जैसे कि आजकल एक प्रयास चल रहा है, चला भी था, कि उसको आदिवासियों के साथ जोड़ने का, शिव को जो है वो उसके साथ प्रयास किया गया था नॉन आर्यन देवता के रूप में। ये भी एक हिस्टोरियंस की तरफ ऐसा भी प्रयास है। यू हैव राइटली पिक्ड अप द लाइन व्हिच आई वाज थिंकिंग ऑन, बिकॉज़ देयर इज अ कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट इन साउथ इंडिया रिलेटेड टू वैष्णव एंड शैविज्म। या दैट्स इट। तो चलिए इसको देखते हैं, आप रिस्पॉन्ड करिए जो डॉक्टर ढिल्लों जी ने। क्या मैं आ सकता हूँ बीच में? जी अच्छा, जी जी जी, आप बिल्कुल बीच में ही हैं। जो वीरेंद्र जी ने कहा जी, उसके संदर्भ में मैं केवल एक श्लोक कोट करना चाह रहा हूँ आपको। पुष्णाम पतिम पापनाशम परेशम गजेंद्रस्य कृतिम वसानम वयनम जगा जूट मदे श्रीरं द्वांग वारिम महादेव मेकम समरामी समराम रिम। तो इसमें मैं जो आप कल्चर उसकी बात कर रहे हैं सर, वो दोनों मिक्स हैं इसमें। जो भगवान शिव हैं वो पशुपति भी हैं जी, और पशुपति का आप पशु का तो हम मुख्य रूप से लेते हैं कि जो केवल देख सकता है सोच नहीं सकता, और पति है जो रक्षा करता है जी, तो जी। एक मानव ही ऐसा कि जो सोच भी सकता है। तो पशुपति का जिस संदर्भ में है उसमें आप देखें तो वहां पर क्या है कि जो सगुण है यानी कि जो हमारे सदगुण है उनकी रक्षा करना, और जो पाप है जो बुराइयां उनका नाश करने वाला व्यक्ति वो पशुपति है। तो मैं इस संदर्भ में वो कहना चाह रहा था मैं आपसे जी। अब आप इसको बड़ा ब्रीफली थोड़ा सा इस पे रिस्पॉन्ड कर। उसमें ये जो शिवत्व है इसको आप ये जब हम एक विशेष रूप देने का प्रयास करते हैं तो एक हम उसी फॉर्म में उसको देख लेते हैं, क्योंकि वो आपके निश्चय का संकल्प, अगर आपने शिव को अपने संकल्प के साथ बांध लिया तो एक वो है दृष्टि, तो आपको वैसा ही शिव दिखाई दे जाएगा। समझे आप अपने संकल्प से अगर आप शिव को गॉड के रूप में देखना चाहते हैं तो गॉड के रूप में दिखाई दे जाएगा, वो शास्ता के रूप में, वो एक रूलर है, वो एक सृष्टि का कथन करने वाला चलाने वाला है, आप वैसा ही देख लेंगे। लेकिन वो आपकी एक माइंड की प्रोजेक्शन ज्यादा रहेगी, लेकिन उसके अंदर ईश्वरता का भाव भी रहेगा, वो भी एक अनुभव है। लेकिन एक ये है कि आप उसको स्वतंत्र रूप में देखना चाहते हैं, आत्मसमर्पण के भाव से, आप तुम जो हो तुम आवि ही प्रकाश, तुम आविर्भव। अब वो प्रकाश कैसा है, वो कैसा रूप धारण करके आपके पास वो आपको प्राप्त हो सकता है,
तो वो ऐसा नहीं है, वो इवन कभी कभी आपकी दृष्टि अगर मच्छर के ऊपर भी चली जाए ना, तो आपको मच्छर के रूप में भी अनुभव हो सकता है, मछली के रूप में भी अनुभव हो सकता है, उसमें किसी भी जीव के रूप में वो आपका दृष्टि का जब उन्मेष होता है, तो उस दृष्टि के उन्मेष में आप उसको बांधना नहीं चाहते कि तुम मुझे गॉड के रूप में दिखाई दो। बालक के रूप में भी वो दिखाई दे सकता है, एक स्त्री के रूप में भी दिखाई दे सकता है, कन्या के रूप में भी दिखाई दे सकता है, पशु के रूप में भी दिखाई। कभी कभी आपको लगता है ऐसे कि कुछ जीवों में ऐसी मुद्राएं हैं जिन मुद्राओं के अंदर जो मुद्राएं वो सारी प्रसूत हुई कहां से, उस परम सत्ता से तो आई। इसलिए वो परम सत्ता जो है, चाहे वो एटम है, चाहे वो सूक्ष्माति सूक्ष्म, चाहे स्थूल से स्थूल, वो सारी उसकी ही तो विभूति, उसी का मैनिफेस्टेशन है। तो उसमें से झांकना देखना आप, वो आपकी दृष्टि पर निर्भर करेगा कि वो कितना, कितनी कंडीशनिंग आपने, डीकंडीशनिंग अगर आपने कर ली है तो आपको उसमें देखने में सहूलियत हो जाएगी। लेकिन वो सर्वरूप उसको कहा जाता है, उसको ऐसा नहीं कहा जाता कि वो सिर्फ एक विशेष रूप ही उसका है। सर्वम सर्वात्मिकम, इसलिए शैव लोग ये कहते हैं यत्र यत्र मनोजाति शिवम तत्रैव चिंतेत, जहां जहां मन जाए वहीं वहीं पर शिव को देख लो। जहां जहां वैष्णव लोग कहते हैं जहां जहां वो दृष्टि परे तहां तहां कृष्ण परे, जहां जहां बंगला में कहते हैं वो कि जहां जहां मेरी नजर जाती है वहीं मुझे कृष्ण नजर आने लगता है। तो ऐसे शैव लोग कहते हैं यत्र यत्र मनोजाति शिवम तत्रैव चिंतेत चलित्वा यासिति कुत्र सर्वम शिवमयम यतः, आखिर मेरा मन दौड़ के कहाँ जाएगा, क्योंकि सारे तो शिवमय है, वो इसको भी शिव ही जानता है, उसको भी शिव ही है। तो जब सर्वम शिवमयम की बात आएगी तो उसमें आप उसे ईश्वर मान के देखना चाहते हैं तो ईश्वर मान के देख लो, लेकिन वहां से आपको अगर वितृष्णा हो जाती है तो आप दूसरे रूप में आ जाते हो। तो वो दृष्टि का जो है हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम ये जो है शब्दों के अंदर अपनी टर्म्स जो है वो जो परम सत्ता के ऊपर चिपका के देखना चाहते हैं उसको, कि देखो इसमें मैं तो उसको गॉड के रूप में देखना चाहता हूँ, या मैं उसको एक मूर्तिमान एक सुंदर ऐसे रूप में देखना चाहता हूँ। वो दूसरा कहता है नहीं मुझे भाई इस तरह का, तो वो उसमें कहता सर्वमय है। वो सर्वमयता जो है उसमें सिर्फ प्रॉब्लम है कि आपकी जो कंडीशनिंग है वो बीच में से उसमें बाधक बनती है। तो अगर वो थोड़ी कंडीशनिंग से हम जैसे मुक्त होते जाते हैं तो हमें शिवता का जो वास्तविक स्वरूप है वो सामने आ जाता है। जैसा आप देखना चाहते हैं आप, आपको वैसा भी दिखाई दे जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखाई दे। आशुतोष जी, इफ यू अलाउ मी, कैन आई मींस पुट समथिंग? आशुतोष जी, इज माय वॉइस कमिंग? जी जी, यस यस। सर, इफ यू अलाउ मी, कैन आई मींस सब्सटेंशिएट? सी, माय इंटेंट वाज टू नो द प्रोसेस, परसेप्शनल प्रोसेस of Shastra that is being constructed by a person who is very much highly knowledgeable, whosoever constructed that text, the Shastra, about the perceptions, his perception about the Shiva, that is very elevated. And a person of like a common person like me, who is a layman, how that perception impacts him in his thinking. That was my intent. Thank you. उसके लिए थोड़ा श्रवणम कि उसका वो जो है ना एक भक्ति का जो स्वरूप है, थोड़ा सा उस दिशा में आपको कुछ ऐसे व्यक्तियों के साथ और शास्त्र के साथ उसका ध्यान करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, प्रश्न जगाना पड़ेगा, अपने भीतर एक प्रश्न जगाना पड़ेगा। प्रश्न की अग्नि जब जागृत होती है तो वो उत्तर ढूंढ लाती है कहीं ना कहीं से।
और प्रश्न को जागृत करने के लिए कुछ इस तरह के लोगों से आप प्रश्न कर सकते हैं कि मैं शिव को इस रूप में जानना चाहता हूं, ये भीतर क्या आपके जागृत वो प्रश्न अगर हो जाता है तो उसमें कुछ उस तरह की आप शास्त्रों को भी अध्ययन कर सकते हैं और कुछ ऐसे लोग जो अनुभवी लोग हों उनको भी थोड़ा सा पूछ सकते हैं, उनके साथ बात कर सकते हैं। तो उसमें दो ही बातें हैं कि या तो वो कहते हैं कि संसार विषवृक्षस्य, ये संसार के रूप में विषवृक्ष के ऊपर दो अमृत फल लगते हैं, एक है कि साधु संघ है, लेकिन साधु का मतलब वो नहीं है जो आज जैसा बना हुआ है, साधु संघ है, और दूसरा है शास्त्र का, शास्त्र को अपनी एक सिंसेरिटी के साथ, शास्त्र के साथ संग करना और साधु के साथ संग करना। साधु का मतलब है सरल चित्त लोग जो हैं, साधु का अर्थ जो है वो आजकल जैसा है वैसा नहीं है। तो आपकी साधना में ये दो ही बातें हैं जो सहायक हो सकती हैं। मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब शायद ये कह रहे हैं वीरेंद्र जी कि शास्त्र और जो आम आदमी है कॉमन मैन और जो ये जो शिव की अवधारणा है, इन तीनों के का जो आपस का संबंध है वो उसका थोड़ा सा शायद वो स्पष्टीकरण चाह रहे थे, क्योंकि आम आदमी की परसेप्शन, शास्त्र की परसेप्शन, क्योंकि वो भी व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है तो नहीं, वो ऐसा है कि जी शास्त्र, मैं ठीक बात समझ पा रहा हूँ आपकी? हाँ जी सर, हाँ जी बिल्कुल सही पकड़ी है आपने जी। नहीं, नहीं, ट्रायंगल में मतलब इस ट्रायंगल को देखो, शिव जो भी अवधारणा शिव की जो आप कॉमन मैन तक पहुंची है ना, वो शास्त्र, शास्त्र को जो शास्त्र के लोग हैं, शास्त्र को जानने वाले लोग हैं, उनके माध्यम से ही कॉमन मैन तक पहुंचता है। जितनी भी वार्ताएं होती हैं, विद्वान लोग आखिर हवा में तो नहीं घूमते हैं, चर्चा तो आपसे करनी है ना, मैं उसमें जो भी बात मुझे समझ में आती है, आप वो सभी लोग जो कॉमन मैन है उनसे हम लोग ये बात करते थे, और वो लोग जो हैं अपनी दुकानों पर जो बैठे हुए लोग होते थे, जो जो फॉर्मल एजुकेशन जिनकी कुछ भी नहीं थी, लेकिन उनके प्रश्न बहुत गहन होते थे, ये हमें पता है। तो शास्त्र को इंट्रोड्यूस जो है ना आम आदमी के साथ, बीच में आम आदमी में जो लाता है, वो आम आदमी के बीच में लाने वाला जो है वो व्यक्ति जो है उसके साथ थोड़ा संसर्ग जो है वो आम आदमी के साथ, आम आदमी को संस्कार तो है कि शिव है कुछ, लेकिन उस शिवता का विशेष रूप से अगर उसका स्वरूप समझना हो तो मैं समझता हूँ कि उसका एक ही तरीका है कि जो शास्त्रगत मान्यता है उसको ऐसे व्यक्ति के साथ जो संपर्क है वो उसमें सहायक हो सकता है। आप तो आम आदमी के पास पहुंचने में कारण तो यही है तीन, शास्त्र है, टीचर है, और फिर वो स्टूडेंट है जो कॉमन मैन है। कॉमन मैन तक अगर शिव का कॉन्सेप्ट पहुंचा है तो उन्हीं लोगों के माध्यम से पहुंचा हुआ है सब। चलिए ठीक है, इसको हम थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच जी। आशुतोष जी, आशुतोष जी, डॉक्टर सदानंद जी, आई वुड लाइक टू ऐड अ सेंटेंस। यस सदानंद जी, प्लीज ऐड अप। कैन आई, हाँ Can I go ahead? Yes, yes, please go ahead. Please go ahead. You're looking at the Shiva Tandava in a different perspective. With our side-by-side knowledge about the Western medical science, especially physiology, immunology, neurology, psychology, psychiatry. I would like to bring in the importance of the bliss, the spiritual bliss, which is not the ordinary, usual
becoming happy, becoming unhappy. No, it is of a different kind. And its effect on immunology, effect on our mood, psychology. It's very interesting. It is during depressive period, we get immunocompromised. And we will be inviting infections. But when our mood is well equilibrated, normal euthymic mood or happy mood, our immunological system balances very much. It becomes in tune with the surroundings and adjusts to and defends the infections. So the Shivatandava Nrita, Shivatandava, yes, leading to bliss is an important step towards not only achieving bliss, but also our defensive status against any infection onslaught from the surroundings. Okay. So it is a type of inner balancing or equilibration, which we can conceptualize in that way also. Looking at outside, the external objective space, which we call Parabrahma, and that also has to be protected. And that element of bhakti, which was available everywhere throughout the subcontinent and wherever our culture spread, that is getting an uplift in the present day. It was all coming down, now it is getting an uplift. And to that extent, it is very appreciable. Thank you very much. Right. Thank you, sir. Dr. Bhardwaji, please. Yeah, I would like to comment on Saad Anand's points, you know. Ji. That, you know, the scriptures talk that Jagat Mithya Brahma Satya. Now, how we can really make it happening, the recent development, you know, three Nobel laureates have been given that Nobel Prize to prove that the creation is not real. So now this is what we got to understand, that how we as a soul are here and how we have made this. This is what is known as a collective dream of all of us here together. And to remain in bliss, as you have asked, is to remember all the time that you are divine and you are connected to your source through nada. And how Shiva created the whole cosmos, and you are visiting this dream and enjoying it here, whether it is good or bad, without affecting your happiness and bliss. Yes. And you are as a drashta, looking into the whole scenario as a scene, as if you have bought a ticket to see a horror movie and you are in here to see it. And then you can understand that you have got only two options. One is to enter the hall to see this arena, to enter into time and material game. And next is to go back to your source. Yes. So if you remember that you are divine here, you are representing the absolute here, and one of your colleagues as Shiva has created the whole cosmos and you are visiting it. So I think another beautiful discussions can happen, and Ashutoshji can really make series out of that. How to make it understand in the modern context, that how we understand our own emotions. Because body and mind, I would like to say that you have acquired the mind and created the body. And if you want to keep these two fellows happier, so you got to understand that body and mind together create emotions. And emotions will create a terrorist out of you to make you sick. So if you know this, that you are divine, and these two you have acquired and you have created the body for a while to enjoy good and bad of this world. So this is what will
I mean, these kind of interactions will definitely give us a new dimension. We will take up this issue also. The reality and the non-reality and the perceptions and the emotions. We'll be taking up these issues in the next upcoming discussion sessions. Yes, sir. So, last, Dr. Ravindra Kumar Gupta ji. Sir, aapne kuch kehna hai? Gupta ji? हाँ जी सर जी जी पहले तो मुझे ये कहना सर मैंने बचपन से एक कहावत सुनी थी होनहार वीरवान के हो तिकने पात वो आज चरितार्थ होती दिख रही है अच्छा वो क्यों दिख रही है कि अंकल ने आपका नाम आशुतोष ही क्यों रखा अच्छा क्योंकि शिव का एक दूसरा नाम आशुतोष भी है यस 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 और रामचरितमानस में कहा भी है आशुतोष तुम्हें अवधारा धनी आरती हर हरु दिना जानू जानी तो जो आज बहुत जल्दी प्लीज हो जाए जो सबसे बेस्ट डोनर है तो जिस प्रकार से आप अपने ज्ञान का दान देकर हमें कृतार्थ कर रहे हैं आशुतोष जी तो इसके लिए मैं पहले तो गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ मैं कोई ज्ञान दे नहीं रहा मैं तो ज्ञान ले रहा हूँ नहीं सर हम ले रहे हैं अच्छा अब मैं आ रहा हूँ सर आज के विषय पर एक बात तो उसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि डॉक्टर भारद्वाज जी के प्रेजेंस में उसके ऊपर बोलना बहुत ही गलत होगा मेरे लिए और वो क्या है कि नटराज की जो नृत्य है सर उसमें 108 मुद्राएं हैं और उनका कॉस्मिक रिलेशन है जी जिसके ऊपर अलग से डॉक्टर भारद्वाज जी मेरे ख्याल से बहुत अच्छा प्रकाश डाल सकते हैं हमें तो ये उनके ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं जी और एक बार अपनी तरफ से नहीं मैं कोट करना चाह रहा हूँ सर स्वामी चिन्मयानंद जी की एक बुक है आर्ट ऑफ गॉड सिंबोलिज्म बहुत संक्षेप में दे रहा हूँ सर कोई काफी आप लोगों ने बताई दिया वो लिख रहे हैं इसमें गोइंग विद इन एज द डिवोटीज सिट इन कंटेम्पलेशन ऑन नटराजा ही शी सीज द ड्रम इन वन हैंड एंड फायर इन द अदर एंड प्रेज फॉर द क्रिएशन ऑफ पॉजिटिव क्वालिटीज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ नेगेटिव वंस द थर्ड हैंड In the elephant trunk pose, remind the seeker to discriminate wisely, to disassociate from the finite world of matter. The fourth is the hand of Lord's grace and compassion. जी ये उनका छोटा सा दिया है पूरी बुक में काफी डिटेल है तो नटराज के क्या अर्थ है भाव है किस प्रकार से वो पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी और गुणों के बारे में बता रहे हैं ये स्वामी चिन्मयानंद जी की व्याख्या है जो मैं कोट कर रहा था वैसे आशुतोष एक बात उसमें महत्वपूर्ण ये है हेलो हाँ जी हाँ जी जो तीसरा नृत्य है ना नादांत वो एक तरह से वो वरद मुद्रा जो है ना वो नृत्य उसमें कम है उसमें नृत्य के बाद जो ये जो अभयदान वरदान जो जिसने जो मांगा क्योंकि भगवान शिव के लिए वो कहते हैं ऑर्डर दानी की जिसने जो मांगा उसको वो मिल गया सब लेके जा रहे हैं तथास्तु तो तीसरा जो नृत्य है उसमें नृत्य वाली बात कम है लेकिन उसको वो एक जिसे कहते हैं कि गिफ्ट गिविंग जी ये नृत्य को देखने से नृत्य के बाद जो लेके जाते हैं लोग ओके तो उसमें विघ्नों का संहार जो है जी वो जो हाँ वो विघ्नों का संहार क्योंकि नृत्य वहाँ नृत्य की मुद्राएं प्रकाशित कम हो रही हैं अच्छा चलो इस चीज को इस इशू को हम टेकअप करेंगे बाद में और लिया जा सकता है इसको हाँ जी हाँ डॉक्टर साहिब जी से जैसे मैंने रिक्वेस्ट की है वो इन सारे इश्यूज को किसी भी नेक्स्ट जब वो फ्री होंगे तो इन सब इश्यूज को इसमें टेकअप करेंगे
डांसेस ऑफ साउथ इंडिया और नटराज के ऊपर हम बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि और किसी का कोई टिप्पणी है, कोई कमेंट है तो कर सकते हैं। उसके बाद मैं डॉक्टर चित्तरंजन जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो संस्कृत अकादमी की ओर से और इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड संस्कृत शास्त्रीय नॉलेज की ओर से सबका धन्यवाद करें। सर, कैन आई स्पीक समथिंग? प्लीज प्लीज गो अहेड सर। सर, जो टाइटल है ना डिस्कशन का जी, वो फाइव टाइप्स ऑफ परसेप्शन ऑलरेडी इम्बाइब किए हुए है। डिकोडिंग मींस अ क्वेश्चनर, a person who asks a question. Philosophy means a shastric, a philosopher's perception. Aesthetics, right. And dance means a dancer also, his perception, as well as the person who created that image, symbol. Yeah. So all parts are included in it. It was very inspiring. Dr. Sam, abhi toh aapka bhi, आपको भी हमने कहना है हिस्ट्री के ऊपर बात करने के लिए, तो वो भी चलो वो भी अपकमिंग है जी। भारद्वाज जी, हाँ जी जी मैम, आई वाज वेरी कीन टू रिस्पोंड टू दिस दैट हाउ द ऑल द आर्ट्स यू नो व्हिच डिसेंड ऑन अस फ्रॉम बियॉन्ड बिकॉज़ इट इज ऑल नोइंग ऑल प्रिवेडिंग एंड हाउ ही इज क्रिएटिंग दिस लीला एंड हाउ इट डिसेंड्स ऑन अस। So, you know, all these arts which we perform as a dance, yes, or as a singing or any kind of arts, they all descend from him. And it goes through 50 trillion cells of the body, and each mudra of your body is displaying that divinity when it comes to that dance. So I think Ashutoshji rightly saying that we'll keep these programs on some other point or the days and work on it. Thank you very much. डॉक्टर चित्तरंजन जी, हाँ जी, सबसे पहले तो मैं अनुप्रयुक्त संस्कृत शास्त्रीय ज्ञान संस्थान चंडीगढ़ की ओर से और साथ ही साथ हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी संस्कृत प्रकोष्ठ हरियाणा सरकार पंचकूला की ओर से महान वक्ताओं का, विशेष रूप से श्री चांद भारद्वाज जी का और श्री रमाकांत अंगिरस जी का और सभी प्रतिभागियों का हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा। इस शास्त्रीय चर्चा में उन्होंने अपना भरपूर मार्गदर्शन किया, सहभागिता की, और मेरे मन में बहुत विचार आ रहे हैं। और एक विद्यार्थी के रूप में ही, क्योंकि जब हमने विद्या अध्ययन किया संस्कृत का, तो सबसे पहले वही याद करते हैं, आई उन रेल रे के ओंग ए यो है वरटलाण नियमगणनम जभई गड़दा जब गड़दा खप चढ़ता चढ़ता कपे शस्त्र हल। और फिर वो याद करते हैं श्लोक जिसका संदर्भ दिया भी था आपने, नृत्ता वसाने नटराज राजो ननाद ढक्का नव पंचवारम उद्धर्तु काम सनकादि सिद्धांत एतद् विमर्शे शिव सूत्र जालम। तो भारतीय जो भी ज्ञान परंपरा रही है, साहित्य रहा है, संगीत रहा है, कला रही है, रहा है, उसमें आदि गुरु तो हमारे और जगत के माता पिता ही मानते हैं हम, तो शिव शक्ति ही है। जो शिव तत्व है वो कण कण में व्याप्त है और इसका जन जन तक साधारणीकरण करने के लिए ही स्थान स्थान पर आज भी मंदिर हैं, शिवलिंग प्राप्त होते हैं। और शिव शंकर की जो स्तुति है उसका जो हर तरफ छोटे छोटे बच्चे भी शिव तांडव स्तोत्र याद करते हैं, कितना कठिन है। और बड़ी भारी महान शैव परंपरा रही है सारे भारतवर्ष के अंदर। अब जो ये श्लोकों के ऐसे अद्भुत श्लोकों के हमें तो बड़े गूढ़ और कठिन लगते हैं, कितना सरस व्याख्यान किया आचार्य प्रवर ने, बड़ा दुर्लभ। और ये कहां सुनने को मिलता है? ये आपके इस जो महान प्रयास के माध्यम से सुनने को मिला, हमें भी सब कठिन समझ करके छोड़ चुके हैं। अपारे काव्य संसारे कविरेव प्रजापति ही यथास्मय रोचते विश्वम तथैव परिवर्तते। और जैसे सब कलाओं के ऊपर, सब कवियों के ऊपर लागू होता है, सब कलाकारों के ऊपर लागू होता है,
और जब इसको हम पढ़ते हैं ध्यान लग जाता है। एक एक श्लोक के अर्थ को जब आप समझा रहे थे तो उसमें कितनी एकाग्रता हो रही थी समझने के लिए भाव को। और ये शब्द चित्र हैं, इनके ऊपर चित्रकार चित्र बना सकते हैं, मूर्तिकार मूर्ति बना सकते हैं, और जो वर्कशॉप लगेंगे उसमें सारा ये युवाओं तक पहुंचाने का सार्थक प्रयास निश्चित रूप से शीघ्र होने वाला है। और ये जो महिमन स्तोत्र है इसका तो घर घर में पाठ करते थे, मैंने भी इसको याद किया था, और मुझे वो श्लोक भूलता नहीं, क्योंकि शिव तत्व को समझना कोई आसान थोड़ी है। वही तो वो कहा भी आपने भी संदर्भ दिया भी, वो याद रहता है मुझे भी कि अपार है काव्य संसार है। ये जो है आपका कि शास्त्रामृत स्वाद सज्जन से समागम संसार विष वृक्ष से द्वे फले अमृतोपमे, और काव्य अमृत स्वाद भी कहते हैं और शास्त्रामृत स्वाद सज्जन से समागम, इसके बिना समाधान है नहीं। और जो कर रहे हैं उसी से ही देख दृष्टि मिलती है। और अब ओम नमः शिवाय ये मंत्र है, ये आपको रिद्धि सिद्धि प्रदान करने की क्षमता रखता है। और मैं तो कहता हूं सब मंत्र, आपकी जिस भी इष्ट में श्रद्धा है, जिस भी मंत्र में श्रद्धा है, और उसका आप जब ध्यान करते हैं, ये साहित्य संगीत कला हमें उस आंतरिक परमानंद की ओर ले जाने का ही तो मार्ग है। और हर व्यक्ति उसको प्राप्त करना चाहता है, किंतु उसके लिए साधना करनी पड़ेगी, उसके लिए उस भाव को मन में लाना पड़ेगा। और जितने ये चित्र यहां दिखाए आपने, भाई सांपों के अंदर रहकर भी ध्यान मग्न रहना है और संतुलन बनाए रखना है। भाई रुद्राणाम शंकरश्चास्मि कह दिया, बस गागर में सागर भर दिया गीता में, तो कि भाई उस शंकर तत्व को शिव तत्व को हमें अपने जीवन में अपने आचरण से चरितार्थ करना है। और एक महामंत्र मुझे दिया है गुरुवर ने, अब मैं क्या बताऊं, मैं से रह नहीं जाता किससे साझा करें, कि ओम श्री सांब शिवाय नमः, बताइए। और बस वही है ना कि जो इसका इस पथ पर चलेगा वो इसके अंग की अनुभूति करेगा, और जीवन के अंदर दिव्य घटनाएं अद्भुत घटनाएं चमत्कार कह सकते हैं आप, प्रतिक्षण घटित होते हुए आपको अनुभव होंगे। और आप तो इसके साक्षात प्रत्यक्ष दृष्टा हैं, अनुभूति करता है। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो जन साधारण तक पहुंचाने के लिए ही साहित्य संगीत कला की उसमें सार्थकता सिद्ध की गई है। जब एक कलाकार नृत्य करता है तो उसको उस आनंद की अनुभूति होने लगती है, जब एक कवि उस भाव से कविता करता है तो वो उस स्तर तक पहुंच जाता है। और मुझे तो भूलता नहीं है जिसमें समाधान है। अब ये कहते हैं कि शिवलिंग का अर्चन करते हैं, करते हैं, आप सच्चे भाव से रुद्राभिषेक कीजिए, आपको वो वास्तव में सिद्धि मिलेगी, रिद्धि सिद्धि मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है जी। तो हम उस भाव से भावित होकर कार्य करें, उसका मतलब हमें निष्क्रिय होना नहीं है बल्कि सक्रिय होना है, अपनी ऊर्जा को और सक्रिय करना है हमने, अपनी जो भावना है आंतरिक भावना है दृढ़ता है उसके अंदर सत्यता निष्ठा कर्मशीलता को ला करके कार्य करना। और इसमें निश्चित रूप से ये जो आपका सारा प्रयास है वो सफल हो रहा है। और वो कहते हैं ना, तब तत्व में जानामी महेश्वर वादिशोसी महादेव तादृशाय नमो नमः। और महाकवि कालिदास, और मैं तो उसको याद करता हूं कि अब अभिज्ञान शकुंतल को जो अष्टमूर्ति थी उसको कैसे भुला सकते हैं, प्रत्यक्ष देव हैं ये जो हमारे प्रत्यक्ष हैं, या सृष्टि सृष्टि बहुत ही विधि उत्तम हविर याच। तो ये सारा का सारा जो श्लोक है आपको प्रत्यक्ष अनुभूति कराता है कि शिव तत्व वास्तव में जीवंत है, मूर्तिमंत है। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए सभी विद्वजनों को चरण वंदन करते हुए और उनके आशीर्वाद की अपेक्षा से वाणी को विराम देता हूं। और अंगिरस जी को आशुतोष जी को तो बहुत बहुत वर्धापनम कि इस प्रयास के अंदर सारे विद्वजनों को जोड़ करके जन सामान्य तक युवाओं तक इस भाव को भावित करेंगे ले जाएंगे, और हमारा जो असली हिंदुत्व है असली भारतीयता है असली भारतीय संस्कृति है वो जीवंत रूप में अनुभूत रूप में जागृत रहेगी। और क्रीमंतो विश्वमार्यम वसुदेव कुटुंबकम को हमारा जो लक्ष्य है आनंद का लक्ष्य है, हैप्पी इंडेक्स बढ़ेगा हमारा, ठीक है। धन्यवाद सबको, नमस्कार।
बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, डॉक्टर चित्रंजन जी इस धन्यवाद ज्ञापन के लिए। तो आज की ये परिचर्चा हम यहीं पे पूर्ण करते हैं, और कम से कम इस सारी परिचर्चा से ये उभर कर आया कि हमें दोबारा से एक प्रयास करना होगा कि इस शिव तत्व को कैसे समझें, हाउ टू अप्रोच दिस शिव तत्व, और शिव तत्व की जितनी डायमेंशंस हैं उसको हम जरूर समझने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि हमें आज एक नई बात भी समझने को मिली कि साउथ इंडिया के जो डांसेस हैं उनकी जो अप्रोच है और जिस सूक्ष्मता से उन लोगों ने और संवेदनशीलता से इस नटराज को देखा और समझा है, उसको हम निश्चित रूप से हमें समझने का मौका मिलेगा। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और आने वाले विषयों में हम कई सारे विषय ले रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो है संस्कृत शास्त्र के आधार पर, संस्कृत शास्त्रीय समीक्षा जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन की, इकोनॉमिक्स की और इसी तरह के अन्य जो विषय हैं, और इंडियन नॉलेज सिस्टम के ऊपर कोशिश है हमारी कि एकेडमी के साथ मिलके जो है एक वर्कशॉप जो है वो हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम इस विषय पे काम अग्रसर कर सकते हैं। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आप सबने अपना सहयोग दिया और इसी तरह से इस अग्नि को प्रज्वलित रखने का हम प्रयास करें। ये सेमिनार्स कुछ ऐसे नहीं है कि हमने कुछ इनको करना आवश्यक है, ये केवल बीज जो है, बीज स्थापन है कि खेत है, भारत पूरा एक खेत है, उसमें ये विचार के जो बीज हैं वो हम डालें, समय आने पे जब वो कहाँ पे उगाएंगे क्या कह सकते हैं। तो हम लोग तो कृषक हैं, संस्कृतज्ञ जो है वो बेसिकली कृषि करने वाले हैं। सिंच सिंच क्षिपान सिंच संस्कृत हित साधिके स्युः कालेन युवानस्ते सुपुष्पा सुफला अपि, ये होना ही है। आशुतोष जी, इसके बारे में यही थीम में अनुसंधान भी होना चाहिए, भारत सेंट्रिक रिसर्च। हाँ बिल्कुल, इंडिया सेंट्रिक रिसर्च। ये एक्चुअली जो हमारा जो प्रयास है वो है तो यही कि शास्त्र की हम पुनः स्थापना करें, जो पॉलिसीज बनानी है, जो मॉडल्स बनाने हैं वो शास्त्र पर आधारित हैं, वो ये नहीं कि हाँ शास्त्र में ये भी है, इतने से काम नहीं चलने वाला। जो जो वस्तुतः स्थितियां हैं उनको हम चुनौती भी दें, उसका एक हम विकल्प देते नहीं है और चुनौती फिर हमारी जो है वो सफल नहीं हो पाती है। तो हाँ, हम लोग अभी संविधान के ऊपर जब बात करेंगे कि हमारा विकल्प क्या है, हमने क्यों नहीं संविधान का एक विकल्प बनाया, तैयार किया, या हमने ह्यूमन राइट्स का विकल्प क्यों नहीं बनाया, हमने इकोनॉमिक मॉडल क्यों नहीं बनाया प्रॉपर, और फिर उसको हम लागू करें। अभी जैसे आपसे भी जब बात करेंगे तो ये साइकोलॉजी और साइकेट्री की बात जब करेंगे तो अभी ओवरड्यू हो गया आपका भी लेक्चर। बहुत ही सुंदर तरीके से ये सब कार्य हो रहे हैं, और मैं इतना विकल्प तो दे दें। आशुतोष जी, मैं भावुक हो रहा हूँ क्योंकि इतना बड़ा कार्य आप लोगों ने अपने सिर पर लिया है और इससे कितनी बड़ी तरक्की होने वाली है, कैसे बच्चों को जाएगा, उसको सिंप्लीफिकेशन हम लोग जो जिस तरीके से कर रहे हैं, और उससे एक एक विषय, एक एक श्लोक जुड़ जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, किस प्रकार क्रिएशन हुआ, कैसे ये आगे बढ़ रहा है, कैसे हम शिव को उसमें जोड़ के ये बातें समझा सकते हैं, इस पर आई एम क्वाइट एक्साइटेड। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आप हमें सहयोग निरंतर चाहिए, क्योंकि ये अकेले का काम तो है नहीं, ये सबका सामूहिक काम ही है जी। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और आज की ये सभा यहीं पे हम पूर्ण करते हैं, और फिर दोबारा हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक में, देखते हैं कि क्या टॉपिक्स हमारे सामने आते हैं। धन्यवाद। आशुतोष जी सुन रहे हो? जी जी सर, 12 तारीख को विवेकानंद जी पर रख लीजिए। बिल्कुल सर, आपकी आवाज सुन रहा हूँ। 12 तारीख को विवेकानंद जी पर। अच्छा ठीक है, चलिए वो भी कर लेते हैं, दे लेता हूँ, टाइम टेबल बनाना पड़ेगा क्योंकि संस्कृत टेक्स्ट भी हमने शुरू करनी है।
और ये लेटर्स भी करने हैं, तो मैं कर लेता हूँ आपसे बात, क्योंकि मुझे जन्मदिन के कारण ना जी, इसके कारण कह रहा हूँ मैं। जी जी ठीक है, ठीक है, आपने अच्छा रख लेते हैं, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वराणि बोध। वो रख लेते हैं, ठीक है डॉक्टर, तो थैंक यू उमेश, शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर्वेषां, सबका धन्यवाद।